अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल्हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिहि। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्ना अल्लाह व मलाइकतहू युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या निअमतल्लाह। अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम दी हम्दो सना हुजूर सैयदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन खातमुन नबिय्यीन रसूल मुख्तार शफीए रोज़े शुमार हबीबे परवरदिगार अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। आप दी बारगाह नाज विच बेहदो हिसाब दरूदो सलाम। अल्लाह करीम दे हुजूर दुआ है अज दी बाबरकत बा मकसद बज़म कबूलो मंजूर फरमाए। इस आली वकार नशिस्त दी बदौलत इस्लाम नू गलबा मुसलमाना नू इज्जत व वकार नसीब फरमाए। रब्बे जुल जलाल अहले ईमानो इत्तेहादो इत्तेफाक नसीब फरमाए। खालिक कायनात मादर वतन पाकिस्तान नो माशी तिजारती इक्तिसादी तरक्कियां अमन व इस्तेहकाम दी बरकत और निज़ामे मुस्तफ़ा दी मुकद्दस बहार नसीब फरमाए। जिसने अपने ओहदे और मनसब का नाजायज फायदा उठा के पाक वतन नू लुटिया कौम का खून पसीना चूसिया अकीदा ए खत्मे नबुव्वत ते डाका मारिया हुजूर दे दुश्मनां नू हुजूर दी मुकद्दस आल दे दुश्मनां नू हुजूर दी पाकीज़ा अज़वाज दे दुश्मनां नू हुजूर दे मुखलिसो जानिसार असहाब दे दुश्मनां नू फैसिलिटेट करके मुल्क तो बाहर कढ़िया। अल्लाह सब नू दर्जा बदर्जा जिल्लत रुसवाई नाल निशाने इबरत बनाए। खालिक कायनात खलीफाए बिला फसल यारे गारे मुस्तफ़ा दिलदारे मुस्तफ़ा अक्से जमाले मुस्तफ़ा हमसाया मुस्तफ़ा, पहरेदार मुस्तफ़ा, यार गार मुस्तफ़ा, मुहाफिज अव्वल नामूस रिसालत, मुजाहिद अव्वल लकीदा ख़त्म नबुव्वत, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो और मौलाए कायनात शेर खुदा हैदर कर्रार अखी मुस्तफ़ा सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम तुलैके अमीरुल मुजाहिदीन इमाम अजीमत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन रिज़वी तक जिस जिसने हुजूर दी इज्जत दा पारा दिता, अकीदा खत्म नबुव्वत दा तहफ्फुज़ कीता, जुमला मुजाहिदीन व मुहाफिजीन व शुहदाए और गाजियान ने नामूस रिसालत दे दराजात विच बुलंदी अता फरमाए। ये मुकद्दस मिशन सानू अपनिया नस्लों विच मुंतकिल करन दी तौफीक अता फरमाए। आले सुन्नत दा अजीम मरकज जामिया गौसिया रिजविया मिसबाहुल उलूम खालिक कायनात के जुमला मुआमिनीनो मुंतजमीनो सरपरस्तगान असातिज़ा मुताल्लिम तमाम खालिक कायनात इज्जत आबरू विच खैरो बरकत अता फरमाए। यादगार असलाफ उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर अल्लामा अहमद अली साहिब मद्दज़िल्लाहुल आली, उस्ताजुल हुफ़ाज़ हज़रत अल्लामा कारी मुहम्मद सरफराज साहिब जिन्हां दी मुहब्बत के पेशे नज़र एक बार फिर उलमाए किराम दे झुरमट अंदर तलबा और गयूर आले सुन्नत दे इज्तिमा विच जियारत दा और सरवर कौनैन हुजूर ताजदार खत्म नबूवत दी बारगाह विच हाज़री दा लब कुशाई दा मौका फराहम कीता। परवरदिगार ने अल्लाह तमाम उलमाए किराम जो स्टेज ते जलवागर ने उन्हां दियां चमकदियां पेशानियां धड़कदे होए दिल खालिक कायनात हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान खैर व बरकत नसीब फरमाए। गरामी कदर बुजुर्गों और दोस्तों, दीन इस्लाम अल्लाह दा ओ प्यारा दीन रब देहां पसंदीदा दीन तमाम तर साजिशां दे बावजूद तमाम तर कुव्वतां दी नापाक अजाइम दे बावजूद शब रोज अपनी मकबूलियत और पॉपुलैरिटी दे रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। दीन इस्लाम दे खिलाफ बहुत सारे फितने सफ आरा ने और अहले इस्लाम दी जिम्मेदारी है कि इस्लाम दा हर वेले हर लम्हे रिप्रजेंटेटर तर्जमान बन के वो अपने किरदार दे नाल वो आलमी दुनिया नू बावर करावे कि मुसलमान जुज वक्ती मोमिन नहीं होता, मुसलमान कुल वक्ती मोमिन होता है। इस्लाम सिर्फ मौलवियां दा नहीं, पीरां दा नहीं, इस्लाम सिर्फ सूफियां दा नहीं, इस्लाम हर फर्द नू इज्जत फराहम करन वाला कामिल दीन है। अगर तुहाडे मेरे चो यकीनन हर बंदे दी ख्वाहिश है और होनी चाहिए कि ओदी बहन दे मां दे बेटी दे मुकद्दस रिश्ते नू ज्यादा तो ज्यादा महफूज कीता जाए, तो फिर याद रखो मावा बहना बेटियां दे रिश्तियां दा तकद्दुस ना माल नाले ना दौलत नाले ना इकतदार नाले, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम दी तालीमात नाले। लादीनी कुव्वतां इन्हू फिरकावारियत दा रंग दे के एक दूसरे दे खिलाफ सफारा करके दस्तो गिरेबान करके अपने नापाक मकासद हासिल करना चाहदियां ने। मेहराब व मिंबर दी सदा नफरत वंडन वाली नहीं होती, इस्लाम दा नूर फराहम करन वाली है। तुसा ख्वाजा गरीब नवाज दे जानशीन, दाता अली हजवेरी दे रूहानी जानशीन, अहमद रजाओ मेहरे अलीओ मौलाना सरदार अहमद और मौलाना मोहम्मद इलियास हजारवी दे जानशीन। तुहाडी मेरी बुनियादी जिम्मेदारी है इस्लाम दा हुस्न ओरिजिनल तालीमात अपनी नस्लों में मुंतकिल करके दसीए कि इस्लाम लड़ावन वाला दीन नहीं। इस्लाम लोगों के दिलों नूं अल्लाह ते अल्लाह दे महबूब की मुहब्बत नाल मुनव्वर करने वाला दीन है। सुभान अल्लाह, हौली आखनी, आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। ये बुनियादी जिम्मेदारी है। ये इज्तिमाआत कॉन्फ्रेंसेस ये बेसिक तुहाडी मेरी तरबियत का सामान ने। जलसियां नूं चस्का ना बनाया जाए, कन्ना दी लज्जत तक महदूद ना किया जाए, सिर्फ दिमाग की तरावट और तस्कीन का बायस ना बनाया जाए। इस्लामी तालीमात नूं अगे मुंतकिल किया जाए। ग्रामी कदर बुजुर्गों, बच्चों, जवानों, फिर ओ लम्हा दूर नहीं जदों हर बंदा अपनी अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी अदा करेगा। देखदे ही देखदे कायनात दे तूलो अर्ज ते मुस्तफा दे दीन दा झंडा लहरांदा नजर आएगा। जितने फिरके, जितने स्कूल ऑफ थाट मौजूद ने, उन्हें तमाम अगे असी मुहब्बत नाल दर्दमंदाना अपील करके कहना चाहने अजे किस बात का इंतजार कर रहे हो? अजे किस बात की ख्वाहिश रखते हो कि किस अंदाज नाल तूफान उठे तो तुसा मैदान अमल अपना किरदार विखाओगे? हया बाख्ता औरतां, बदकार औरतां, जिस्म फरोश औरतां पाकिस्तान के दारुल हुकूमत अंदर खड़ी होके मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा ला के इस्लाम का मजाक उड़ा चुकिया ने। अजे किस बात का इंतजार है? कादियानियत के दस्तरखां ते हड्डियां चूसन वाले घटिया और गलीज किरदार अदा करने वाले लोग, मुगन्निया दी औलाद, रक्कासावां दे बतन विचों ओ पैदा होने वाले लोग, मसाजिद के तकद्दुस नूं ढोल दी ताप नाल बर्बाद कर रहे ने। अजे किस बात का इंतजार कर रहे हो? मैदान अमल उतरन का मकसद यह नहीं कि तलवारां बंदूकां फड़ लो, एक दूजे नूं मारो ना। इस्लाम का पैगाम यह कि जेड़ा बंदा जिस थां ते बैठे ओ महसूस कराए कि वह सब कुछ बाद विच मुस्तफा दे दीन दा नौकर ते चौकीदार मुसलमान हो पहले वे। वो ताजर गए तो अपने किरदार नू अदा करे, बिजनेसमैन है तो अदा करे, वो टीचर है तो अदा करे, हाथ ते हाथ रख के ना बैठो। इकबाल फरमांदन शोर है हो गया दुनिया से मुसलमान आबूद। हम ये कहते हैं कि थे भी कई मुस्लिम मौजूद, वजह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हलूद। ये मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। अपने किरदार नू पेश करिए। असी जानवर नहीं, असी इंसान आ। सब कुछ बनो जो तुहाडा दिल है, जौक है, देवबंदी, वाबी, सुन्नी, शिया, पीटे पीपे, नूने, जो तुहाडा मौज बनो। लेकिन इस्लाम दा पैगाम कौन देवेगा? इस्लाम दी तालीमात तू कौन आशना करेगा? अखियार तो यही चाहते हैं कि तुसा थोड़ी जी गल करो, आंदे हो लड़ाई हो जाएगी, फंडा हो जाएगा। तुहाडा कदीम दुश्मन इंडिया, तुहाडा पड़ोसी मुल्क को अपनी फिल्मां ते ड्रामे अंदर भी अपने धर्म की तालीमात नू किसी न किसी हवाले नाल उजागर कर रहे हैं। तुहाडे ड्रामे, तुहाडियां फिल्मां तुहाडे मुल्क की तहजीब की लोगों को मुंतकिल कर रही है। क्या जिथे रिश्तियां दा तकद्दुस खत्म हो जाए ओदा ना ड्रामा है, जिन्हें कुफरिया डायलॉग और हया बाख्ता ऐसे जुमले होन जिदे नाल गैरत, हमीयत सब कुछ खत्म हो जाए। ये किरदार अदा करना पड़ेगा हर फर्द नू। इकबाल फरमांदे ने गैरत है बड़ी चीज जहान है तगोदो में, पहनाती है दुर्वेश को ताजे सरेदारा। अफराद के हाथों में अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। इस्लाम गालिब आएगा कायनात ते, तुहानू एडी समझाण दी लोड़ कोई नहीं। तुहाडा एक बाबा उठया बर्रे सगीर चा के उन्हें 90 लाख नू कलमा पढ़ाया, अगर एक बुजुर्ग 90 लाख लोगों के दिलों को मुस्तफा करीम की इश्क की शमा नाल रोशन कर सकता है तो जदों मुसलमान 1.5 अरब मुसलमान हुजूर की इज्जत अजमत रिफात उसवा मुहम्मदी दा खूबसूरत पैगाम लैके मैदान उतरनगे फिर तुहानू वेखण वाला भी कोई गैर मुस्लिम नहीं मिलेगा। उन्होंने पता लगेगा भैणा की इज्जत इस्लाम विच है, मावां दा तकद्दुस इस्लाम विच है, रिश्तियां दा हया इस्लाम विच है, रिस्क इज्जत आबरू सब कुछ मुहम्मद पाक दे दीन विच है। लेकिन ओदे लई तुहाडे मेरे वास्ते जरूरी है कि अपना मौसर किरदार अदा करिए। नाराज नहीं जे वो जरूरी है पैगाम क्योंकि इस्लाम ने गालिब आना है। और यह भी याद रखो इस्लाम नू अल्लाह ने बंदियां दी वजह नाल ही गालिब करना है। ते अगर साडे मरण तो बाद कोई होर कौम आवे, उस तो बाद कोई होर कौम आवे, उस तो बाद कोई होर कौम आवे, ओ नेक मुत्तकी साले जलवत खलवत पाक होवे, उन्हां दी वजह नाल अल्लाह इस्लाम नू गालिब कर देवे। जे असी ठीक हो जाइए ते सानू इस्लाम दे गलबे दा बायस अल्लाह बना देवे ते इस तों वड्डी कोई खुशबख्ती है। बीमार बंदा सुभान अल्लाह ओलिया के तवज्जो है कि नहीं? जदों अस कोशिश करांगे मैं की करना बस हथ रख के जानवरों का काम है, खा लेना पी लेना अपने 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 आप ले जी लेना, ये कोई जिंदगी नहीं। मोमिन है ही वो जिहड़ा लोगों को नूर फराहम करता है, मुहब्बतां वंडदा है, चाहतां वंडदा है। इस्लाम तुहानू रहबानियत दा फलसफा नहीं देंदा भी छुप जाओ घर च बह जाओ ना। इस्लाम आंदा जो मर्जी करना जे दीन दे दायरे च करो, बिजनेस तिजारत सियासत ताल्लुक हर शे करो। दीन ते बड़ा वसी मुस्तफा दा दीन है, इहदे अंदर हर तसव्वुर मौजूद है। लेकिन इस दीन नू खुदा ना खास्ता इस अंदाज़ पेश ना करो क्योंकि हुण डिवाइड हो चुकी है कौम। एक पासे ओह ने जिन्हां नू सूरत कौसर नहीं आती और बड़िया बड़िया डिग्रियां लैके बैरिस्टर कहलवा रहे ने, करोड़ों रुपए फीसा लै रहे ने, वो इस माशरे दे अपने आप नू थम समझते हैं। एक बेचारा बंदा कोई 3 साल बाद सूरह इखलास पका के आया है, पका के उन्हें अपने वालों चैलेंज करके कहा मौलवी साहब मैं हूँ पका के आया, लेकिन उन्हें फिर ट्राई मारी है, फिर उन्हें गलत पड़ी। ओदी वजह गंदे सीने विच कुरान रोक नहीं सकता। थोड़ा जिहा होर हौली बोलो, कमीने बर्तन विच कुरान नहीं रोक सकता। तवज्जो है कि नहीं? तो इस वास्ते ये उसूल है। एक ने बड़ी टोर नाल सूरत उन्हें जनाब सूरत नाश शुरू की थी वजीर हवा खारिज, लेकिन बेचारा अड़ के ओदी वजह है कि कुरान पढ़ना खाला जी दा वाड़ा नहीं है। अजानिया ये उन्होंने पुछो जेड़े टुट्टी चटाई ते मुहम्मद पाक दे दीन दे चौकीदार कुरान पढ़ रहे हैं। जेड़ा बंदा परेशान है सिर्फ बूथा तले रखे, बाकी जरा मोहब्बत नाल बोलो क्योंकि ये जेड़ा वीडियो कैमरा उहदा लिहाज किसे दा नहीं करदा। जेड़ा सोच के बैठे हो बेचारा एवें सुझिया आना है तेरे तेरे मरे मरण तो बाद जुबाल आखन माशाल्लाह अब्बा बेचारा औखे सौखे टुर गया तो हर महफिल रांदा सुझी आई ते इंज खुश खूबसूरत चेहरा वेख के बच्चे आखन माशाल्लाह मेरा अब्बा हुजूर दे जिक्र च इंज मुस्करा के दस रहे होंदा कि अम्मा दी लोरी भी याद है, अब्बे दी कमाई भी हलाल है। थोड़ा जिहा होर हौली सुभान अल्लाह। तो अर्ज़े वे नबी दे गुलामो अज भी आलम कुफर परेशान और मुस्तरब है, वो किसी को नहीं डरदा। लेकिन खुदा दी कसम है पता नहीं कुफर दी ए बड़ी तहकीक ते जस्तजू तो बाद इस मैदान च पहुंचे इस कम ते उन्हें कह जी मैनू खतरा सिर्फ टुट्टी चटाई ते रुखी सुखी खावन वाले मुहम्मद दे दीन दे तालिब इल्म कोल हुए। थोड़ा जिहा होर हौली बोलो क्योंकि उन्हें पता है विकदा नहीं। ये विकदा सानू सबक वो पे दसते ने जिन्हां दियां सैनेट च बोलियां लगदियां। वाह ओए बेज़मीरो नाराज हो गए हो जिथे जमीर विकन। लेकिन खुदा दी कसम है दुनिया इस नतीजे ते एजेंसियां इदारे पहुंच चुके ने। MPA विके, MNA विके, वजीर मुके, मुशीर विके, सदर विके, बेचारे वजीर आजम हर शह विकी नहीं विकिया ते खादिम रज़वी दी जुत्ती नहीं विकी। तवज्जो है कि नहीं? ओदी वजह ये मदरसियां दे लंगर दी बरकत ही बड़ी होंदी है। अगे बैठे सा अपना बरादरम मोहम्मद सलीम चिश्ती साहब और कारी सरफराज साहब गल कर रहे सन मदरसे दी। मैं कह वेख लो माशाल्लाह अरसे तो है, लेकिन याद रखना बहुत सारे लोग थिड़कू फिड़कू होंदे ने। ओदी वजह है कि वह जिस कमाई सूद ते हराम शामिल हो जाए अल्लाह दी इज्जत दी कसम है अल्लाह अपने महबूब दे दीन लई एक जर्रा भी नहीं लगन देता। बनाजो इज़ीन च रखना। जिस कमाई हराम दा छिट्टा पाया जाए अल्लाह पसंद बोलो, जेड़ा अल्लाह दी तौफीक नाल नारे तकबीर नारे रिसालत हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद जफर अब्बास सैफी साहब सुभान अल्लाह हौलिया को सोन ना लवेन कीते तवज्जो है ना। जेड़ी कमाई हराम शामिल हो जाए और सूद शामिल हो जाए अल्लाह पसंद, थोड़ा जे जाग के बोलो यार पसंद। हाँ जे अल्लाह तौफीक देवे ओदे दीन लई, ओदे मदर ओदे दीन दे तरवीजो इशात लई, यतीम बच्ची दी शादी लई, यतीम दे तालिब इल्म दी तालीम लई और किसी गरीब दी मदद लई अगर चार पैसे तुहाडे खर्च होवन ते सजदा शुक्र अदा जरूर कीता करो। कमाई हलाल ही रब ने अपने महबूब दे दीन लई पसंद फरमा लई है। इस तो होली भी आखो तो गल में करनी है जो है ना। बाकी एक कम इंजी होंदे रहने ने। अल्लाह अल्लाह उन्होंने सलामत रखे जिना इतनी खूबसूरत अपनी हलाल कमाई चो अपनी तमाम तर तवानाइयां सर्फ कीतियां ने और उन्होंने ख्वाहिश है कि साडा नाम ही ना लिया जाए, क्योंकि ये वाहिद कम है जिदी बारगाह विच पेश करदे हो अपने आप जानते हैं। तो अर्जे वे बड़ा खुश नसीब हो जो दीन की तरवीजो इशाअत का सबब बन रहे हैं। तो ग्रामी कदर बुजुर्गो ये मदारिस आले इल्म ए आलम कुफर वास्ते परेशानी ने, लेकिन जेड़े इन्हां दे मुआमिन और दस्तो बाजू बनते हैं यकीनन ये भी अल्लाह दा खास करम ते फजल है। बहरहाल ओ वेला अन करीब दूर नहीं कि जदों पूरी कायनात ते मुस्तफा दे दीन दा फरेरा लहराएगा। बस तुहानू मैनू बेदार होना पएगा, कुफर दी हर साजिश नू नाकाम करना पएगा। फाशी कुरियानी वो हर जाविया इस्तेमाल कर रहे हैं, हर जाविया। लेकिन साड़ी पोजीशन है कि हाथ हथ रख के मुंतजर कर बैठे हैं भाई ये मौलवियां दा कम है, पीरां दा कम है ना। हर बंदा अपना अपना रोल प्ले करे, मुस्तफा दे दीन दा झंडा उठा के हलाल कमावे, हराम तो बचे और बचावे और कोशिश करे कि वो अपना मुअस्सर किरदार अदा करे। क्योंकि आलमी दुनिया का मिजाज ये है आंदे ने मुबल्लिग होन पैदा करो लेकिन बनास्पति, मुबल्लिग होन बनास्पति। बनास्पति मुबल्लिग समझते हो? माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है जी, बड़े बहुत अच्छा माशाल्लाह, आपसे अल्लाह ने जरूर दीन का काम लेना है। 200 करोड़ रुपया एक शादी से खर्च होए, हजरत साहब वास्कट फिट करके उथे भी अपड़ गए माशाल्लाह। 10 लाख रुपया खीसज पाके अल्लाह ने आपसे भी दीन का काम लेना है। इंज ना करो, कुरान दे उसूल है कि तबलीग दा तसव्वुर सामने रख के खुदा दे बंदे हो, मौलवी हो ते पीर हो, अल्लाह दे बंदे हो, एक कदों अपना किरदार अदा करोगे। तुसा सियाने लोग बैठे हो, दसो आज तू 15-20 साल पहले जेड़ा नौजवान पिंड शहर नुक्कर ते सिगरेट पींदा नजर आंदा सी ते किसी दा बुजुर्ग वेख के सिगरेट पैरों थले रख दिंदा आई, ओनू नहीं पता है मेरा प्यो नहीं, लेकिन आंदा क्योंकि बुजुर्ग है। ते अगू बुजुर्ग भी आंदे बच्चा इंज नंगे सर नहीं खड़ीदा, लोगों दियां धीयां भैणां गुजर रही ने, वो बुजुर्ग किथे गए ने? ये है इस्लाम दा नक्शा। एना को किसी को कुछ ना कहो, जरूर अदा करो। कुरान ने तुम्हारी खसूसियात बयान फरमाइया ने, जो हटते जावांगे कुरान तो दूर होते जावांगे फिर मुक जाएगा। फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर। जे कुरान ते तुसी ढिली सुभान अल्लाह ना की होंदी ना तो तुहानू कुरान उलमा मिंबरां ते ढेर सुणांदे हो, वाकियात तां सुणांदे ने, तुसां भी वाकिया कट के फेसबुक ते चाड़ के आंदे हो मौलवी साडी मर्जी दी गल कीती है। ओ फेसबुक की ना बनो मरो, उची कुरान सुन के जरा सुभान अल्लाह कह तवज्जो है कि नहीं? कदे-कदे कुरान ते भी जरा गज के बोले करो। एक खसूसियात उम्मत मुहम्मदी दियां अल्लाह ने बयान फरमाइया ने, तुहाडे माल दी दौलत दी, तुहाडी कद्दो कामत दी, हुस्नो जमाल दी, तुहाडे कबीले ते लश्करां दी गल नहीं कीती। कुरान दा ए आला कौम उम्मत चंगी है, अल्लाह दी क्वालिटी की है, खसूसियत की है, दौलत अंदर, इकतदार अंदर, तिजारत अंदर, बिजनेस अंदर। फरमाया नहीं कुल तुम खैरा उम्मत उम्मतिल उखरिजत लिन्नास तअमुरुन बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर। ए ओ कौम ते उम्मत है अल्लाह ने इनू खैर वाला बरकत वाला बनाया है। ये बड़ी इज्जत वाली कौम ते उम्मत है। इहदा कम किए ए बुराई तो रोकदी भी है ते रुकदी भी है, ए नेकी दी तरगीब देंदी भी है ते नेकी करदी भी है। थोड़ा जिहा होर होली बोलो। अगर महसूस ना फरमाओ तो निक्का जिहा मसला मैनू दस दिओ। इहदे विच मौलवियां दी गल कीती है, पीरां दी है, सारेयां दी। अल्लाह दा नाम जिहा होली बोलो, सारे दी कीती है। तो फिर तुसा कदों किरदार अदा करोगे? दुकान पर बैठा हुआ बंदा आंदा मेरा कम टुर जाए, मेरा इंज ना करो। इस्लाम दे गलबे विच हर बंदा किरदार अदा करे तो दीन ने बहरहाल गालिब आना। इमाम आजम अबू हनीफा एडा वड्डा ताजर, तुसी खुद अंदाजा करो कितना बड़ा ताजर है, जिदी एक दिन दी सेल 30,000 दिरहम। इस तुम औलिया आख सकते 30,000 एक दिन दी। एक कपड़े वाले थान ते कुछ दाग आई, पार्टनर ते सेलमैन नु आख्या ने पहले दाग दसी। इत्थे अस की आने अल्लाह दी कसम है तुहाडे कोल कुछ नहीं कमा रहे, मुल्तान तो परे दी गल कर रहे। अच्छा अल्लाह मैं अपने अब्बा जी नाल गया, मैं कपड़े लेने सन ते दुकानदार कोल गए। मेरे वाले साहब भी कपड़े का काम करते रहने माशाल्लाह। वो दुकानदार कहन लगे जी तुहाडे कोल ना असी अल्लाह दी कसम कुछ नहीं कमा रहा है। मैं कहा तू साडा रिश्तेदार है? आखे नहीं। मैं कहा तेरी साडी कोई यारी है? आखे नहीं। मैं कहा इस तू पहले को मुलाकात? आखे नहीं। मैं कहा अल्लाह दे बंदे रमजान शरीफ सी, मैं कह ना कर। असा तो तेरे रिश्तेदार ही नहीं, सलाम दुआ भी नहीं, तेरे पड़ोसी भी नहीं, तो साडे कोल कुछ नहीं कमा रहे। दा मतलब है जेडे अपने होणगे उन्हां नूं तो फरी देना होएगा। इंज ना करो ताजरो, इंज ना करो, नाराज नहीं हो, इंज ना करो। अल्लाह ने तुहानू अपने महबूब दे सदके नाल ये जेड़ी चीज बख्शी है वो तुहानू रिज़्क़ हलाल दी इजाजत बख्शी है, कमाओ। ते इंज कसम चा के झूठ साबित करके फिर की करोगे? जदों इंज सौदा वेचोगे फिर पुत्र तुहाडा डब्बू चौधरी बनेगा। जो तुम हलाल कमाओगे खाओगे इंशाल्लाह पुत्र फिर कसम खुदा दी भावे अम्मा अनपढ़ होगी पुत्र खादिम रिज़वी वाला किरदार अदा करे। विच दो त्रै बंदे काबड़े बैठे ने बोड़े नहीं है कोई बला ही ने बेचारे। थोड़ा जा हौली बोलो। मरीज अच्छा डॉक्टर दी नज़र भी ढेर मरीज ते पैंदी है, या तो बंदे गूंगे ते मेरी नज़र पै गई है। तवज्जो है कि नहीं? मिजाज की है। आपने फरमाया ये पहले दसी, इन्हें दसन नाल की होंदा है रिज़्क़ हलाल। फरमाया पहले दसी। अच्छा उन्होंने वो किते आप कम तुर गया या किते इंज ज्यादा गाह खा गए उन्होंने, या तवज्जो हट गई, वो वेच कपड़ा वेच गया। शाम को पहले आके पूछा वो जेड़ा हाई दाग वाला थान वो आके वेच गया, आके दसे या के दस नहीं सकिया। फरमाया ये सारा दा सारा 30,000 अज सदका कर दे। सुभान अल्लाह, हौली बोलो किते मदरसा सुनने वाला वे। तवज्जो है कि नहीं? ते सदका करने वाले के बारे मेरे नबी ने मेराज तू आके दस्या, फरमाया मैं उन्होंने वेख्या इंज जनाब अचाश बचाश थोड़ा लांदे सन ज्यादा लभदा सी, इंज जनाबे वाला फसला उग रही सन, एक किचू कई कई 100 ते 100 हजार दाने निकल रहे सन। आका कौन सन? फरमाया इन्हों के बारे मैनू जबरील आके हजूर जेड़ा सदका करता है ना उहदे ते अल्लाह इंज राजी होंदा है, थोड़े दे बदले ज्यादा देंदा है। अल्लाह दे वास्ते भी खास करम होंदा है, हर बंदा नहीं दे सकता। साडे आम बड़े बड़े एक्सपर्ट बंदे भी देखे। जुमे वाले दिन मसीते जान गए 500 वाले नोटा विचों भी वो 50 रुपए कड्ढण दे एक्सपर्ट होंदे ने, इक्को हथ नाल मसीत लई 500 वाले नोटा विचों भी 1000 वाले विचों भी वो 50 रुपए का नोट कढ़ लैणगे, बल्कि 10 का कढ़णगे क्योंकि मसीत जाना है या किसी को देने लई। तो उंज उन्होंने दस दो जनाब अज फलाने लीडर साहब आ रहे हैं, उन्हें सड़कों भी भर देनी, उन्होंने खंबे भी हर खंबे ते लटका नजर आएगा उन्होंने लीडर। तो जो दीन का मामला आएगा कहेंगे हजरत जी कारोबार ही कोई नहीं, इंशाअल्लाह तेरा कख ना रवे, क्योंकि हराम की कमाई तो अल्लाह को पसंद नहीं ना। जाग रहे हो कि नहीं? हौली हौली बोलो। ये इंज तो नहीं है ना। इमाम साहब फरमाया सारा सदका कर यह है एहतियात। जदों ताजर इंज किरदार अदा करनगे अस एही आखने इस दीन नू मेराब तक मिंबर तक मस्जिद तक महदूद न करो। इस नू खलवत नाल जलवत नाल शादी नाल गमी नाल रिश्तियां नाल बिजनेस नाल तिजारत नाल सियासत नाल इस दीन नू जोड़ो। हर शह दीन दे ताबे करदे नजर आओ फिर ओदी बरकत ओदे समरात तुहानू इंज नजर आवणगे। अल्लाह दी किबरे याई दी कसम बच्चा इंजीनियर भी होएगा पर के फार्म क्वालिफाइड इंजीनियर होएगा लेकिन कारनामा दे अंजाम दे के ओ गाजी आमिर अब्दुल रहमान चीमा नजर आएगा। फिर तुहाडा बेटा जज भी होवेगा लेकिन ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अल अजहरी दा रोल प्ले करदा नजर आएगा। फिर तेरा बेटा पार्लियामेंट दा मेंबर होवेगा लेकिन कायद मिल्लत इमाम नूरानी दा रोल प्ले करेगा। सैनेट दा रुकन होवेगा मुजाहिद मिल्लत अल्लामा नियाज़ी दा रोल प्ले करेगा। फिर मुहद्दिस होवेगा मौलाना सरदार अहमद गजाली अजमा अहमद सईद काजमी दा रोल प्ले करेगा। फिर मुफस्सिर होवेगा सैयद अबुल असनाद कादरी फाते ईसाईयत अबुल नसर मंजूर अहमद शाह दा रोल प्ले करेगा। फिर तेरा बेटा प्रोफेसर होवेगा नूर बख्श तवक्कली ते इलियास बर्नी दा रोल प्ले करेगा। वकील होवेगा हजरत कैदी आजम मोहम्मद अली जना गाजी अलमुद्दीन दे वकील दा रोल प्ले करेगा। फिर जस्टिस खाजा मोहम्मद शरीफ ते मियां नजीर अख्तर वकील गाजी मुमताज हुसैन कादरी दा रोल प्ले करेंगे। फिर पुलिस मुलाजिम होवेगा हजरत गाजी मुमताज कादरी दा रोल प्ले करेगा। तालिब इल्म होवेगा गाजी खालिद यूसुफ दा रोल प्ले करेगा। यूरोप की नेशनैलिटी होल्डर होवेगा गाजी तनवीर हुसैन दा रोल प्ले करेगा। और इमाम मस्जिद होवेगा सैयद खलील कादरी दा रोल प्ले करेगा। ज़ारा बाज़रब टुटी चटाई ते बैठ के पढ़ावन वाला होवेगा। फिर अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी दा रोल प्ले करेगा। मेरे नबी दे प्यारे गुलामो आलम कुफर दुनिया दी सब तो कमजोर तरीन बलाए सब तो कमजोर तरीन बलाए। कसम खुदा दी मोहम्मद दे शेर बन जाओ कुफर दे पैरां थल्ले जमीन कोई नहीं है। वजह की है अज वो भी कह रहे हैं जिन्हें सारी जिंदगी ओदे नाल दुश्मनियां दी हद कर दी भी कह रहे हैं इस्तिकामत दा कोहे गिराई जे अगर ओ ड्यूटी दे के इस कायनात विच सुरखरू गया तो की ख्याल है आपां इंज ही मर जाना लंडे दा अंग्रेज बन के। अपना अपना रोल ते प्ले करिए किरदार ते अदा करिए। मुश्किल तो होंदियां ने दीन दी असासियां जेड़ा तुहानू दाल आ रहे ना वो काफिर नहीं तो काफिर दा चमचा जरूर है ते जिन्नू दाल लग रहे वो शुक्र अदा करे क्योंकि मुसलमान एडा सादा हुंदा ओनू हमेशा ही दाल लगदा है। ते कसम खुदा दी ये दुश्मन कुवतां होंदियां दा इंज घेर घूर के बंदे नू लाई आंदियां बंदा सोच ही नहीं सकदा बंदा फसदा इंज। लेकिन कोई बात नहीं जेड़ा किसी नू दाल आंदा है वो अपने आप से गौर करे ओदी कोई ना कोई तार कितने ना किसी पास जुड़ी होती है जिन्होंने दा लग जाए। हजरत बिलाल हबसी फरमांदे ने मैनू सरकार ने अपना वजीर खजाना बनाया। वाह केडी चस वाली गल है सरकार ने वजीर खजाना बनाया है जेड़ा बंदा चुप अल्लाह करे हुकूमत दा वजीर खजाना बने। बिलाल पाक बन गए सरकार दे वजीर खजाना ते बिलाल फरमांदे ने हुजूर मैनू फरमांदे सर बिलाल मेहमानों रोटी खवा होंदा कुछ भी नहीं सी मैं किसी को उधार चाह के मेहमान नू खाली नहीं सी जान देना है। अजकल सोशल मीडिया ने भी बड़ा कम पाया इत्थे बंदा पुछदा मैं तुहाडे कोल आ रहा हूं मैं ते समा सत्ता क्रॉस कर रहा है कि नहीं। जेड़ा बंदा तुहाडे घरों रोटी खा जाए अल्लाह दा शुक्र अदा करो अपना हिस्सा तुहाडे दस्तरखान तू खा गए अल्लाह दा शुक्र अदा कीता करो। सब तू बदनसीब घर होवे जिदे विचों किसे नू रोटी ना लब्बे मेहमान नू तो सब तू खुश नसीब होवे जेड़ा किसे नू मोमिन तां है ही हो जेड़ा दूजे नू खवाण वाला है जेड़ा दूजे नू खवांदा है। हजरत बिलाल हबशी फरमांदे ने मैं इंज ही करदा सां मेहमान आने हुजूर फरमाए दा इंतजाम कर मैं टुर जाना किसी को उधार फड़ना रोटी खवा देनी। अच्छा ते मेरी ये सादा मिजाज नू वेख के ना ते एक काफिर एडा तेज ते शातिर आई क्योंकि काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है मोमिन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक। वो तो दुनिया पीछे छिटता होंदा काफिर मैनू आंदा है बिलाल रोज रोज उधार मंगने छोटे छोटे बंदे को मेरी मेरा सटोर वड्डा है, कम शम मेरा ठीक है, मेरे को ला लिया कर, मंगदा मुंगदा मैं नहीं, जो तेरे को मैं दे देवी। एज वला वलू के IMF वालियां घेरे है, नाराज हो सज्जना दाई मैं किसी को नहीं लेना। उन्हें जफ्फी पाई है 15,000 अरब रुपए लेके आंदा है, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्लाह। हौली हौली बोलो, तवज्जो है कि नहीं? असाने कर्मा वाला जेड़ा भी आंदा पहले आंदा प्यो निकलता है, तवज्जो है कि नहीं? लेकिन क्योंकि वो घेरते ने, फिर जो घेरन के फिर आने आसिया दे दो, अमल कांसी दे दो, फिर तुम सू फलाना दे दो, हर शह दे दो। जो बंदे किसी को ना ले, अस हूँ भी आने खान साहब तू साडा वजीर आजम है, साडे मुल्क का हुक्मरान है, थोड़ा जहा तकड़ा हो, असी तेरे पिछे खड़े, अल्लाह की कसम है, सानू दुश्मन ना समझ, साडा तू हुक्मरान है, हुक्मरान नाल साडा गिला भी हक बनता है, आखना भी हक बनता है। ऐ शतूने मतूने मैं आखांगा इंज दियां गल्लां लिखिया ना करो, मरो अपनाइया करो, साडा हक है ना, साडा हक बनता है भाई, ऐसे मुसलमान पाकिस्तानी अस गिला भी नहीं कर सकते। अजा ने खान साहब तू जरा वो अख चख पा, महंगाई जिथे तक जा सकती है, कसम खुदा दी अस चू चरा ही नहीं करांगे। एक बारी जरा इंज खड़ा हो जिवें पिच ते खड़ा होना है ते 5-7 बाउंसर मार, ऐ जरा फ्रांस वाले ते मोदी दा नक तां बन। अस तेरे पीछे खड़े है, महंगाई कोई हर्ज नहीं, भावें पेट्रोल 300 रुपए भी कर दे, औख सौख पचा लवेंगे अस है, लेकिन असाने कम अज कम दुनिया को पता लगे आखिर तैयब और दुकान भी तो खड़ा है ना। अस तेन उच्चा वेखना चाहते हैं, साढ़े नाल गिला कर। जदों तेरे को चेयरमैनी मंगी है सानू ठुडे मारे, जदों वजारत मंगी है सानू धरू के पर सट्टी, अस कुछ नहीं मंगते सन, तुसी चसा लाओ चस्के चाहो, लेकिन कम अज कम दुश्मन को पता लगे ये भावे इंजीनियर है, भावे डॉक्टर है, भावे पीटा है, भावे पीपा है, भावे नूना है, भावे देवबंदी है, भावे वाबी है, भावे सुन्नी है, भावे हिंदी है, भावे सिंधी है, भावे बलोची है, भावे पठान है हुजूर दा नौकर। थोड़ा जा और हौली बोलो, लेकिन क्योंकि बड़े तेज उन्होंने काफिर घेर घूर के वला बलू के। बिलाल हबशी फरमानन मैनू आंदन मेरे कोल ले लिया कर माल, मैं भी अपड़ गया, मैं के जनाब मेहमान आए ने, उन्हें के ले लो ले जाओ। दूजे दिन फिर ले जाओ, तीजे दिन फिर ले जाओ, मैं भी ले आया, मेहमाना नू खवाई आया, ते मैनू नहीं पता भी बंदा केड़ा कमीना है। एक दिन मैं अजान दिती, ओदी कमीनगी वेखो ते मुसलमाना दी, हुजूर दे गुलामा दी सादगी वेखो। एक दिन मैं अजान दे के जीवें मैं फारिग होया ते पिछू 5-7 मछंदर ले आके ना, ते मैनू इशारा करके आंदा ओ काले अबशी गल सुन, 4 दिन रह गए नी महीने चू, ते तेन उंज ही करना जिवें तू पहले उमैया दी बकरियां चराइयां, ते तशद्दुद भी उंज करना है, महीने तो पहले पहले माल मेरा जमा करवा। हुण तुसी अंदाजा करो ये आदत पुरानी है कुफर दी, मेहराबो मिंबर नूं इंज क्रिटिसाइज करना, अपड़ गए हो, ये घटियापन है कुफर दा, इसको बड़ा और कुछ कर रहे हो मौलवी, अपनी औकात में रहा कर जी, ठीक है जी जुर्म किए, ऐसे ऐसे करके नारा लगाते हुजूर का जी, ठीक है जी। हाय 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 केडी कमीनी मां है जिस एहो जी बला जाइए, हैं मौलवी ऐसे नारा लगाते हो जी, ठीक है जी। हाय 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 माशाल्लाह जमदा मरे आए, और तेरी मां नु सलाम। ओए मौलवी मिंबर ते खड़े हो के भी कसम खुदा दी तू हुजूर दी इज्जत दा पारा दी तेदी चस ता तैनू कबर च मदीने वाले दी, हैं केडी बदनसीब है ओ मां जिने इंज दी बला जाई है। हुन वी ऐसा नहीं करना, अगो कौम भी की आंदी है मौलवी साहब नु आख्या रुक जाया कर, लख लानत तो तेरी मस्जिद दे सदर होवण ते, हैं कमीनेया तेरा ते काम है तू अंग्रेज़ां दे कुत्ते नहला। एक मैनू पिया कि मैं गया था ते सरा मौलवी साहब नू समझाना, मैं की होया अस आखे कुछ ना आख्या कर, मैं आख्या बगैरा तो तू कौन है, आखे मैं मस्जिद दा सदर, मैं आख्या डुब के मर जा फिटे मुंह, मैं आख्या उस मां ते जिहड़ी तैनू लोरी दिती है, तेरे मिंबर ते बैठ के मौलवी साहब ने की कीता हुजूर दा नां लिया सू, तेरे कोल पुछ के लवे मजा तां है। मैं आख्या ज़ालिम ओ दसो ते सही आलम कुफर नू, ए मुल्क मुहम्मद अरबी दी इज्जत नाल वास्ते ते बने है, बाकी थाना कचहरियां कादे वास्ते, बंदियां वास्ते ने ना, हुजूर दा नाम लैण ते इंज हो जाएगा, कमाल हो गई है। खुदा दा नाम लो इंज ना करो, कुफर तो लपेटदा आखिर उस मैदान से खड़ा करके आंदा है। हुण तुहाडे अड्डियां ते लिखिया जा चुका है दीनी गुफ्तगू करना मना है, और की करोगे? बसां ते लिखिया होया मजहबी गुफ्तगू करना मना है, तनूरां ते लिखिया होया मजहबी गुफ्तगू करना मना है, किवें करोगे? मजहबी गुफ्तगू ही मना हो गई है, ना उस तंजे दा वल, ना हराम दा पता, ना हलाल दा पता, ना कोई किसी शै दा पता नहीं, जदों दीनी गुफ्तगू ही मना है। अल्लाह दा नाम मनो, अपनी तहजीब दा बेड़ा गर्क ना करो। तवज्जो है कि नहीं? उन्हें आके क्रिटिसाइज किया बिलाल हबशी, ओ फलाने शरीफ आदमी की कर सकते हैं, लेकिन मैं भी तो खिदमत चर्ज करा कोई बात नहीं। साढ़े बिरावान का हक, एजेंसियां इदारे का भी हक, वो बेचारे लिखना पढ़ना हर शायद जो फड़ना में उन्होंने कहो जनाब ऐ जुर्म की है, हुजूर का नारा कोई बात नहीं, ऐ पढ़ो हुजूर के नाम नहीं मरना तो कदों मरना है। लो थोड़ी भी मजबूरी है, मारो कड़ी उन्होंने जो कड़ी मारन तो फिर की करो। इमाम मस्जिद जो फड़िया जाए ना, कोशिश करी करो पतली गली चो निकल जाया करो। थोड़ी गल नहीं कर रहे, मुल्तान तो परे नहीं कर रहे हैं, कोशिश की पतली गली चो निकल गया, इमाम फड़िया गया ना, कोई बात नहीं, और इमाम लभ जाएगा। फिटे मुझ थोड़ी औकात इमाम दा इमाम नाल मुहब्बत पई होंदी है, मजा तां है जदों भी आन उन्होंने को जनाब फड़ ले, तुहाडा हक के रिपोर्टां कोई मिली होणियां ने। इन्हां दसो 2 4 5 10 साल तो असीं जानने आं इमाम साहब नूं, ना चोर है, ना डकैत है, ना जानी है, ना शराबी है, ना जुएबाज है, कोई जुर्म तो है? एदा जुर्म हुजूर का ना लेना है, बिल्कुल ठीक है जी, एक कला मुजरिम नहीं, असी भी हाँ। 100 बंदे नूं बरकत लई कड़ी मारो, अल्लाह करे तुहानूं कुछ ना हो, मरो तुहाडी तो सुभान अल्लाह ही ढिली हो गई है। अच्छा वो भी साढ़े फिरा जिन्हें फड़ना आंदा उन्होंने तुहानूं आखना की होना। अच्छा जदों 100 बंदे ने आखना ना तो उन्हें कहना है अच्छा एक मसीत 100 बंदा, थाने च मसीत 100 बंदे किन्ने बन गए? बोलो तो सही, 10,000। 10,000 बंदा उन्हें फिर SHO साहब ने लिखना, उत्ते उन्होंने कहना सर जी 10,000 बंदे की गुंजाइश कोई नहीं, मौलवी कला फड़िया नहीं जा रहा, दसो की करिए? उन्हें उत्ते लैटर लिखना, उन्हें होर उत्ते लिखना, उन्हें होर उत्ते लिखना, उत्ते जांदियां 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 गल चाचा इमरान तक पहुंचनी है। इमरान खान साहब ने फ्रांस में लैटर लिखना, उन्हें गल सुनो कौम बड़ी गैरतमंद खुददार है, ये लखा मसीतां ने ते लखा मसीतां दे विचों करोड़ा बंदे ने, थाने कचहरियां मुक गए ने, हुण दसो की करना जे? ये सारियां नूं गिरफ्तार करना है या तुसां आराम नाल इहनूं सफीर नूं बुलाओ? जागदे हो कि नहीं? होना कुछ नहीं, होना कुछ नहीं, होना कुछ नहीं। अच्छा जे तुसां इंज ना कीता, हुण पैकेज तुहानूं भी अल्लाह रसूल दी कसम जे मैं तुहानूं हुण दे रहा उलमा नूं, जे तुसां इंज ना कीता ते फिर इमामां नूं तुसीं की करना है? जदों साडे पुलिस वाले बिरा फड़न आवे ना तुहानूं, ओ पहली गल ए पुछदे ने होर केड़ा केड़ा है? तुहानूं रब दी कसम है सदर दे पिओ दा भी नाल लिखाना जे, सदर दे बनवैये दा भी नाल लिखाना जे, सदर दी जवाई ते साले नूं भी कम अज कम तुसां इंज करके 100 एक बंदा पढ़ाओ, उन्होंने आखना ये चंदा देंदा है, ये मुहब्बत करता है, रोटी खलदा है, वो जनाबे वाला खत्मे नबूवत दे बैनर छाप के देंदा, इन्हें मैनूं खत्मे नबूवत दी जलसे ते पेन ला के दिता, ये मैनूं स्याही ला के दिती, इन्हें मैनूं इश्तिहार छपा, सारियां नूं दिखाओ। ते वो जदों नाराज होवे उन्होंने कोई नाराज नहीं होना, क्योंकि कल्ले दिल ना पिया लगदा है, मैं आखा वेची नमाज़ां पढ़ाई जाइए। जेड़ा बंदा नाराज है सिर्फ मेहरबानी करे मुँह थले रखे, क्योंकि वीडियो बन रही है। जेड़ा बंदा इंज परेशान हो गया अल्लाह करे इस हफ्ते चुकया जाए, ते जेड़ा मोहब्बत नाल बैठा अल्लाह करे इस महीने मदीने टुर जाए। तवज्जो है कि नहीं? असान होना साढ़े बिरावां दा भी हक बनदा, लेकिन अस कसम खुदा दी एजेंसियां इदारे पुलिस वाले बिरावां नूं आने आओ साडे नाल मिल के हुजूर दी खत्मे नबूवत दी गल करो, क्योंकि हुजूर दी खत्मे नबूवत ते कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि साडियां मावां ने सानूं लोरियां हुजूर दी इज्जत देना। असां मैदानां विच होवे, चौकां विच होवे, थाणियां विच होवे, असां जेलां विच होवे, सानूं वड्डियां ने इही फिकर दसी ए घुट्टी अंदर मेरे सोहणिया मन मोहणिया मेरा तन बदन तेरे वास्ते अगर ज़ौक़ इजाजत देवे आखो मेरे सोहणे आ मन मोहणे आ मेरा तन बदन। अल्लाह करे उन्हें कुछ ना हो जरा नात पड़े, जरा नात जान के ना पड़े, वो बारो बार थाना जरूर वेखे मेरे सोहणे आ। है जरा कसम खुदा दी, जदों तुसीं सारे नात पढ़ रहे हो ना सोहणे बड़े लग रहे हो, चंगे लग रहे हो। अल्लाह करीम अपने हबीब दे सदके और इस दुरवेश जी ने निसफ सदी तक हुजूर दे दीन दा पैगाम दे के हुजूर दी इज्जत दी हिफाजत की थी। अल्लामा मुहम्मद इलियास हज़ारवी दे सदके, हज़रत मुहद्दिस आज़म दे सदके तुहाडे घरां दी, बच्चियां दी, नस्लां दी इज्जतां दी खैर फरमाए। हुण कोई चुप ना रहे, सारे आखो मेरे सोहणिया, मेरा तन बदन तेरे वास्ते हो मेरे सोहणिया, मन मोहणिया, मेरा तन बदन तेरे वास्ते मेरे सोहणिया, मन मोहणिया, मेरा तन बदन तेरे वास्ते, मेरी सोच विच तेरे तज़करे, मेरा हर सुखन तेरे वास्ते। उची बोलो मेरी सोच विच तेरे तज़करे, मेरा हर सुखन। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत। तवज्जो है नबी दे गुलामों, असी बड़े सादे लोग हैं, मुसलमान सुन्नी मुसलमान सारे मुसलमान जेड़ा भी होएगा वो बड़ा सादा होएगा, ते मौलवी मुड्डू सादा होएगा, मुड्डू सादा। ये बड़े सादे कसम खुदा दी, चुप रहिंदे ने, अल्लाह अल्लाह कर, ढक लो, मारो, कुटो, वड्डो, साडी खबर भी नहीं लगनी, सानू ज़िबा कर दो साडी खबर नहीं लगनी, साडे बच्चे मार दो खबर नहीं लगनी, सानू जिवें मर्जी कर दो खबर नहीं लगनी। सिर्फ एक गल तुहानू दसीए, जिन्हां दे असीं नौकर आं ना मालिक बहुत तकड़े जे, ते असां सादे भी एडे आं, सानू खुश करना चाहंदे हो तुसां दे मौलवी मसीतों ना निकलन। अपनी कमजोरी कोई नहीं दसदा, असीं दसने आं। तुसां हुजूर दे दुश्मन दी आंखें चक पाओ, असां निकलना ही नहीं। जाग रहे हो? साडी बाबे खादिम ने बड़ी खूबसूरत गल की, अल्लाह दरजात बुलंदी अता फरमाए। आंदे हुंदे सन खान साहब, नवाज शरीफ साहब, मैं मजूर आदमी हां, 2 फुट के उत्ते पिया पानी का गिलास मैं नहीं चुक सकदा, मैं मजूर आदमी हां, लेकिन तुसा हुजूर दी इज्जत दा पारा दो, दुश्मन दी आंखें चक पाओ, मैं सारी जिंदगी तुहाडियां जुटियां पालिश करांगा। एंड कोई पेशकश कर दे यार, हैं एदी कोई पेशकश, साडी पेशकश ही है, अस कुछ नहीं मंगदे, अस डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी नहीं मंगदे, अस कुछ भी नहीं मंगदे, मौज करो जिवें मर्जी जिन्नू देओ तुसा, लेकिन हुजूर दे दुश्मन दे सामने जे तुसी वजीर आजम हो ते ज़ुल्फकार भुट्टो बन जाओ, हैं जे तुसी अगर असैम्बली के मैंबर हो तो सरदार जफरुल्ला खान जमाली बन गए। बड़े साथ कसम खुदा दी एडे सादे लोग जे, पुलिस दा मुलाजिम गाजी मुमताज हुसैन जो हुजूर दी इज्जत आबरू दी हिफाजत करे, इन्होंने मैं वेख्या रात के 8 बजे तो लैके सुबह 4 बजे तक एक लत्त लियाकत बाग वजू डक के खड़े सन, आशिक दा जनाजा पढ़ के जाना तवज्जो है कि नहीं? ये तो मजबूरी है ना, सारी दाल आवन की कोशिश ना करो सानू। बड़े लोग अपने अपने मिजाज ही समझते हैं, ना ये पैसे नाल विकते हैं, ना इन्होंने चेयरमैनियों की कोई गर्ज कोई। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं, मैं बहरी जहाज बैठा, मेरे कोल सी अशरफियां दी थैली, एक चालबाज आ गया बंदा, नेड़े नेड़े होया। अच्छा ये चालबाज ही होंदे ने, मल से बेकी है अशरफियां ने, अगू भी तो बाबा यो लुकावण की गल थोड़ी आई। उन्हें कहे अच्छा, एक मैं चुक सकना, उन्हें कहा चुक लै, इंजन करके वेख लिया, अच्छा, किनिया ने एनिया ने, अच्छा, कितों ले आयो, नहीं ले आया, अच्छा किनिया ने की ने, वो इंज खब्बे सज्जे करके उन्होंने देखता रहा। इमाम साहब समझ गया भाई इन्होंने पीड़ पै गई है, तवज्जो है इनू। अच्छा कई सानू कई पीर जेड़े दुनियादार ने उस डैम के खिलाफ ने, हालांकि उन्होंने अपनी पोजीशन हो मुरीद बेचारा इंजू करे समझते पैसे कट ले नाराज तो नहीं हो। जेड़ा पीर दीन का काम करे उन्होंने दो हाथों नाल सलाम है। वह मरो किसी भैड़े के हाथ सच नहीं दी बैठे, चंगे दे हाथ दी बैठे। जे किसी कमीने पीर हाथ फड़ाई बैठे तो खुदा का नाम जो छुड़ा लवो, क्योंकि कमीना पीर कम नहीं आता। पीर होवे जेड़ा हाथ फड़ के मुहम्मद दे दीन दा चौकीदार बना। हुण तो अजीब किस्म के पीर आ गए, फूका मार के किल को के पकड़ दे अपड़ गए हो। खुदा रसूल का वास्ता जो जे तमाशबीना कोल बचो, किल को के कड्डण वाले पीर आ गए फूके मार के कोके पकड़ दे। मैं कहो मरो स्टील का कारखाना है। पीर नहीं, पीर होवे जेड़ा बेनमाजी नू नमाजी बनावे। पीर होवे जेड़ा रिश्तियां दे तकद्दुस नू पामाल ना होवन देवे। पीर होवे मुरीद होवन तो बाद मुरीद दे दिल च अम्मा दे अब्बे दी अजमत वध जाए। नाराज हो गए हो? थोड़ा जो होर हौली बोलो, तवज्जो है ना। इमाम साहब फरमावन लगे, अच्छा सरफिया ने छे तो आ रहे हो जी, थोड़ा नाम की उन्होंने नाम ही दसिया। थोड़ी जी देर गुजरी, एडी ढेड च पीड़ पई, उन्होंने दुनियादार जुआई। उन्हें जाके जनाब रोला पा दिता, मौली साहब मेरी चोरी की है। अशरफिया कोल मौली साहब दे, मौली कोल किधरों आई हैं भाई? ये परेशानी होती है कोल कितों आई हैं। वो सारी गल पुछ पुछा के उन्हें रोला पाया, केस दायर हो गया। उस जहाज बहस तमीज शुरू हो गई जनाब। फैसला होने तो पहले पहले उन्हें रोला जो पाया, इमाम साहब ने सारी थैली फड़ी दरिया सुट दी। वो भैड़ा मुंह करके आ गया, कितने कीतियां जे? मैं सुट दी। क्यों सुटियां जे? तूने कमरे मेरिया मैं सुट दी। इन्हों कोई परवाह नहीं होती। साद रज़वी साहब आते हैं, मैंने उन्हें फोन किया, उन्हें अभी चीर देंगे, फाड़ देंगे, मार देंगे, अज कर देंगे। मैं बाबा जी आखा, मैं जी कम खराब हो गया कि उन्होंने किंज कह दिता है। बाबे ने आके कुछ बचा के रखा है? मैं जी कोई शह नहीं। आके कमलिया जो बचा के कोई शह नहीं रखा है भी कोई शह नहीं। आ जाके ये वजूद ही है जे ये हुजूर की इज्जत तो कुर्बान हो जाए, इससे वड्डा सौदा कोई है साढ़े को? मेरे सोनिया, दिल ना बोलो, सारे बोलो मेरे सोनिया, मन मोनिया, मेरा तन बदन तेरे वास्ते, मेरी सोच विच तेरे तज़करे, मेरा घर सुखन तेरे वास्ते, ए मेरा चैन तू, ए करार तू, मेरी शान तू, ते वकार तू, तेरे दुश्मना नल दुश्मनी, तेरे दुश्मना नल दुश्मनी, मर सब्बा नबी वक्त लोगो, तेरे दुश्मना नल दुश्मनी, मेरा घर सजन तेरे वास्ते। तवज्जो है नबी दे गुलामो, मेरे नबी दे प्यारे गुलामो। आपने ना इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा वो जिहड़ियां उन्हां दे कोल हैसन शरफियां उन्हां सुट दित्तियां। पहले इमाम बुखारी आखे या इमाम बुखारी नाल ये वाकई इमाम बुखारी सॉरी। अच्छा इमाम बुखारी ने सुट दित्तियां विच। उन्हें आख्या ये किथे कीतियां जे? आखे भाई सुट दित्तियां। आखे क्यों सुटियां जे? आखे वैसे सुट दित्तियां। उन्हें आख्या रोला कि आपने फरमाया क्योंकि मेरे को दीन की बहुत बड़ी अमानत है जिहड़ी मैं हुजूर की उम्मत को पेश करनी है। ते तेरे जे बदबख्त लोगों के इल्जाम की वजह तो मैं ना वो वड्डी जिहड़ी मेरे को अमानत है वो अमानत मुतासर ना होवे। उस अमानत की हिफाजत लई याद रखो, वजीरा मुशीरा हुक्मराना दे बूहे ते जाके अपनी इल्म की तजलील ना करो। दुनियादारां दे पिछे जाके तौहीन न करो। तुसा रसूलुल्लाह दे दीन दे चौकीदार ते पहरेदार हो। कसम खुदा दी दौलत इकतदार हर शै तुहाडे कदमां विच लौटेगी जदों मुहम्मद पाक दे दीन दे नौकर ते खादम बन के चलोगे। ओ वेला जरूर आएगा। ओ मिंबर दी वारिस हो, मुसल्ला रसूल दी वारिस हो, मेहराब मिंबर दे वारिस हो। ओ जामिया मिसबाहुल उलूम दे तालिब इल्म बच्चियों जवानों, अल्लाह तुहानू कदम कदम ते इज्जतां बरकतां नाल सरफराज रखे। बहुत सारे इमामत दे दर्जियां ते जाओगे, पिंडां शहरां विच मुसल्ले ते खड़े होवोगे। बड़े बड़े घटिया लोग भी नजर आवणगे, बड़े बड़े कमीनी खसलत दे लोग भी मिलणगे, लेकिन परेशान नहीं होना। और राजी होवन या नाराज, बस कोशिश करनी है कदम कदम ते मुहम्मद अरबी राजी होवे। फिर तुहाडी अजमत का सितारा मौलाना सरदार ते मौलाना मुहम्मद इलियास की सूरत चमकदा नजर आएगा। तुसी अंदाजा करो, मौलाना अहमद अली साहब ओमन, सरफराज साहब ओमन या दीगर, ये मौलाना इलियास हजारवी साहब के पुत्र नहीं है, लेकिन क्योंकि शगिर्द ने मुहम्मद पाक का जड़ा दीन का नूर इन्हों दे के गए ने, अज इना उन्होंने नस्ल ना नहीं लवेगी जिन्ना मुहम्मद अरबी दे दीन का नूर लैन वाला आखेगा मेरे उस्ताद ने मैनू कमली वाले दे दीन का नूर दिता है। इस वास्ते आले इल्म दी कदर करो, मेरा अब मिंबर वाले दी। और रुखी सुखी खांदा है, लेकिन कसम खुदा दी हवा नाल माहौल नाल बदलदा नहीं है। और जिहड़ा माहौल नाल बदलदा है वो दीन नहीं है, वो फिक्र नहीं है। ये माहौल ते होवे जिन्हों माहौल नूं मुहम्मद अरबी दा गुलाम अपनी गैरत नाल, हमीयत नाल, कुव्वत नाल इंज बदल के दसदा है मेरी जिंदगी दा मकसद दौलत नहीं है, मेरी जिंदगी दा मकसद इकतदार नहीं है, मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक जलवत होवे या खलवत। हर तांत मैनू कमली वाले दी इज्जत आबरू दा फरेरा लहरांदा। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हें जदों आके ललकर मारी ना, क्रिटिसाइज कीता बिलाल पाक नू, ते फिर आखिर तुहानू पता है जदों मौलवी नू दीन वाले नू क्रिटिसाइज करो ये आ जाके फिर अपना राबता उधर ही छोड़दा है। बूआ भी नहीं खड़काना पैंदा, खत भी नहीं लिखना पैंदा, दस्तक भी नहीं देनी पैंदी। कसम खुदा दी नबी दे गुलामो, एदे आंसुआं नू वेख जदों मेहराब ते मिंबर वाले दे आंसू डिगदे ने, डायरेक्ट गुंबद खजरा दा मकीन करम फरमाया। एदी आ तो डर लोग पूछदे ने होया की है, ऐसे कैसे हो गया, इतना अपसेट कैसे हुआ। हर चीज तो साढ़े हाथ चाहिए, उन्हें के अपसेट किवें होंदा है ते सेट अप किवें होंदा है पहले इन्हूं पुछ। तवज्जो है कि नहीं? यह एक दूजे नूं वेखो, अपसेट ते सेट अप किवें होंदा उन्हां नूं पुछ लै। इंज हर शै बदलदी है, बंदा सोचदा रह जांदा है मेरे नाल हो की रहा है। इस वास्ते उन्हूं वेखो गुंबद, उस तों वड्डा गैरत वाला कोई नहीं। इस वास्ते आसान है, मुझे दुश्मनों ना छेड़ो मेरा गैर कोई जहाँ में, मुझे दुश्मनों ना छेड़ो मेरा है कोई जगह में, मैं अभी पुकार लूंगा नहीं दूर गए मदीना, न कलीम का तस्वुर न ख्याल दूर सीना, मेरी आरज़ू मुहम्मद मेरी जुस्तजू मदीना। इस फिक्र वाला बंदा फिर परेशान नहीं होता, जेल चोवे, थाने चोवे, कचहरी चोवे। फिर हजरत ख्वाजा जियाउद्दीन, फिर सियाल शरीफ का दूल्हा भी आंदा है। लोगो जदों मियां वाली जेल अंदर मैं इल्म निजामुद्दीन नाल मुलाकात की थी है और मौत दा कैदी होवे चंद दिन बाद तख्ता दार ते लटकाया जान वाला होवे ते चेहरे ते नूरानियत भी ताज़ा होवे वजूद दे उत्ते माहौल भी जनाब वाला तरो ताजगी भी नजर आवे नूरानी चेहरा पखरिया होवे मैं सूरत तिलावत करा और मैनू लुकमे भी अगू दे रहा होवे ते मां मिलण आवे आंदी है बच्चिया ए परेशान क्यों है अम्मा रोंदी क्यों है बच्चा रोवना ते की करा पुत्र तख्तेदार वाल कुछ लम्हा कुछ दिन बाद जा रही है आंदा मां तेनू पता नहीं है जिंदगी दी चस मियां वाली जेल दी कोठड़ी विच आई है क्योंकि इधरू रात ढलदी है उधरू हसनैन दे नाना दी जलवागरी हो जाती है। देख लो जेलों ते आखिर बंदे जाते ही ने ना कई बंदे की आते हैं मैनू जरकान भी है सर सर मैनू शुगर भी है सर मैनू ब्लड प्रेशर भी है सर जी मैनू कैंसर भी है मेरी दवाइयां ते आन दो जेल तो बाबा भी गया आई कोई डिस्प्रीन भी मंगी सू बोलो तो सही हौली हौली बोलो ओदी वजह है हुजूर दे नाम ते आ जाए सुबह मैं ना कसम खुदा दी इहो जी जेड़ियां भी निशानियां तुहानू लभन ना ओदी फोटोकॉपी नहीं करानी असल नाल रखना असल असल नाल रखना पर्चे दी सूरत ते बालां नू सिर्फ इहो आखना ए मेरे कफन च रख देनी बस थोड़ा जिहा होर हौली बोलो ताकि पता लगे हुजूर दी बारगाह विच असां भी पेश करिए साडा तुहाडे नाल हुजूर इन्नी गुलामी वाली निस्बत है। अच्छा गाजी अलमुद्दीन गया जेल च आलम की होया उन्हें क्या जनाब एक बंदे क्या इलमुद्दीन यार मेरे सिर पीड़ आंदी आख उरे हो हाथ रखा ठीक एक मेरे डेडे पीड़ है हाथ रखा ठीक गल उड़दी उड़दी पिंडा थावां च तुर गई खोतियां ते रेड़ियां ते डाचियां ते बंदे मरीज लद्दे जेल दे बाहर सुपरीडेंट बाहर मेला लगे देखो सा कमरो खैर है पीर साहब कोल दम कराना सक्यो केड़ा पीर इल्मुद्दीन का पीर है दुआ करो शाला पीर 5 7 10 20 100 50 जरूर जावन साडे नाल पीर दे नाल ते भैड़े पै गए हो हैं ते इंज दे पीर होवन तो अल्हम्दुलिल्लाह ओ पिछा नहीं हटदे इंज दे पीर पिछा नहीं हटदे इंज दे पीर सानू बाबे खादिम दे नाल सज्जे खब्बे नजर आए ने जो वे गैरतमंद हो फिर इंज नहीं हटते जो उंज ही सज्जे खब्बे हो जा छिड़को फिड़को उन्होंने अस पीर नहीं समझते उन्होंने करमा लिया तू अपना टुक्कर पानी सीधा कर तेरा दीन नाल की ताल्लुक है जरा इस इहो जे पीर दा मुरीद थोड़ा जिहा मेहरबानी करे मुंह तले रखे तो जो गैरतमंद पीर दा मुरीद है जरा मुहब्बत नाल आखो सुभान असां तो सारे दे नौकर हां लेकिन जेड़े पीर नू शरीयत दा हया नहीं कसम खुदा दी सानू ओदा मुद्दू हया नहीं गैरतमंद बंदा बोले फिर सुन लो जेड़े पीर नू शरीयत दा हया शरीयत दा हया सानू ओदा ते जेड़ा शरीयत दा मुहाफिज है असल ते ओदे बालां नू देख के चुने जाग रहे हो उन्हां के पीर साहबान फूका मरवाना है केड़ा पीर इल्मुद्दीन ना है उन्हां के चलो अपना समान चो उन्हां के गल सुन असा बन के अंदर वड़ जाना सियाने बंदे आख उन्हें के चबल न मार इन्हों का कोई हिसाब किताब कर उन्हें की करिए के मरे पानी के मटके बारू लिया के गाजी इल्मुद्दीन को झूठा बेच सटवा के इन्हों झूठा पिला इन्हों तोड़ एज न करी तिड़िया न रमी ये जटके बंदे नहीं तेना कुटना ही बहु उन्हें पानी पीते गए पिलाते गए मरीजों अल्लाह रसूल के करम नाल शफा होती गई गल वधदी गई इल्मुद्दीन गया तो हुजूर दा नौकर बन के आई लेकिन कसम खुदा दी साइयां धज के दी दिती है चस के दी आई उन्हें क्या कोई रात ऐसी नहीं गुजरती होवे नबी दे नाते फिर कोई रात ऐसी नहीं है इधरू अख लगती उधरू करम नवाजी हो जाती है इल्मुद्दीन आखे होया की है आंदा केड़े केड़े करम गिण गिण के दसा बल्कि तेरे मुहद्दिस आज़म दा लख्त जिगर कायदे अहले सुन्नत हाजी मोहम्मद फजल करीम आने मैं गया गाजी मुमताज हुसैन कादरी कोलू मैं कहा गाजी साहब 8 10 दिन तू जेल चो थाने चो को परेशानी हो सके परेशानी कही हो हाजी साहब दिन थोड़े हो करम चोखे हो जागदे हो अजे तो सानू बाबे अंदर वाली गल्लां दसियां ही ना। जदों भी बख्तरबंद गड्डी चो निकलदा ते मजूर दे चेहरे ते नूर बरस रहा हुंदा ते मुस्कराहट दस रही हुंदी है। साईं हर वेले करम करदे ने, कसम खुदा दी अलमुद्दीन दी गल्लां ते दसण वाले दसियां रो रो के आंदे। एक दिन होवे दो दिन कदे कोई पै जावन ते फिर रो रो के आने फिर आखने मेहरबानी करो करम फरमाओ। तैनू लबदे आ ओए आप गवाचे रगी अपनी खबर और नकाई और सतों पारे कख गलियां दे सानू आखन लो सवाई और नंग नमूजदा साड़ के चोला असा पहनिया दा जगदाई ओ आजम अपना आप गवाया तद यार ने जाती पाई। हर शह बच जाए तो इंज हो जाए, इंज होंदा नहीं। कुर्बानी तो फिर बंगदा ना दीना। मक्का फतह होया, हुजूर फरमाया बिलाल नूं सदो काबे दी छत चढ़े। मुक्तदर साहब आके हुजूर अज किसी वड्डे खानदान दे साहबी दी ड्यूटी लाओ ना तो लोग जोक दर जोक इस्लाम दी अजमत दा एक नज़ारा वेख के आन। हुजूर फरमाया नहीं, इस्लाम निक्के वड्डे नूं नहीं वेखदा, इस्लाम ते कुर्बानियां नूं वेखदा है। थोड़ा जिहा होर हौली बोलो मेरे नबी दे प्यारे गुलामो। ये तसव्वुर ये फिक्र रखनी पैगी। थोड़ी जी मुश्किलात है ने, कोई बात नहीं, लेकिन असा बहसीयत मुसलमान पूरी दुनिया नू बावर करावना कि दहशतगर्द असी नहीं आ। तुसा दसो तुहाडे बच्चियां नू तिक्का कबाब दी तरह बर्मा च भुनिया गया ते दहशतगर्द कौन? फिर भी मुसलमान। शाम च तुहाडे बच्चियां मासूमां दे खून दियां नदियां बह गईयां ते दहशतगर्द कौन? फिर भी मुसलमान। इराक पूरा दा पूरा उजाड़ दिता गया ते दहशतगर्द कौन? फिर भी मुसलमान। यमन के जनाजे ते बमबारी कराई गई, दहशतगर्द कौन? फिर भी मुसलमान। कश्मीर के अंदर कर्फ्यू लग्या, भैना बेटियां जनाबे वाला मासूर कर दितियां गईयां। नाने दे वजूद ते बैठी हुई मासूम बच्ची पुछ रही सी मेरे नाने नू जांदियां गोली मार दी गई। जवान मय्यता पुत्रा दियां मावां झोलिए च लग के रोईयां, दहशतगर्द फिर भी मुसलमान। आखिर दसो तो सही केड़ा किरदार अदा कर देगा? तुसा साडे वकालत नहीं करनी तो किने करनी है? हुक्मराना साडी बोली दुनिया के सामने नहीं बोलनी तो किदी बोलनी है? फलस्तीन दियां बेटियां ते दिन दिहाड़े टैंक चढ़ा के उजाड़ दिता गया, दहशतगर्द फिर भी मुसलमान है। और आलम कुफर दे आलाकार लोगों ने की किया? 20 किलो की तलवार चाके नचते नजर आए ट्रंप नाल। सिवल अवार्ड उन्हें दिता गया सऊदिया के हुक्मराना ने जिहड़ा 80 लाख कश्मीरियां दा दुश्मन ते 20,000 मुसलमानों का कातिल। खुदा राय जे न करो, गद्दारी न करो, आखिर कयामत दे दिन मुंह विखाना जे कि नहीं। मेरे पाक नबी दे प्यारे गुलाम हो, अपना ओरिजिनल रूप लोगों को विखाओ कि दहशतगर्द नहीं, मुहब्बत वंडण वाला है। इस्लाम का तसव्वुर है अली शाह शहीद होवन मस्जिद विच, उमर शहीद होवन मस्जिद विच। दहशतगर्दी ते साडे नाल जुड़ी हुई है, मुसलमानां नाल शुरू हुई। असल में किसी नहीं मारे, इस्लाम ने तो लोगों खून नाल नहीं बदलिया। 2.5 करोड़ एक जंग च लोग लुकमा जल बने। पहली जंगी अजीम होवे, दूजी जंगी अजीम होवे, चाइना दा इनकलाब होवे, लखा करोड़ा लोग लुकमा जल बन गए। उधर तारीख दे मुअर्रिख दी नजर क्यों नहीं जाती जिथे एक इनकलाब ने लखा लोग मारे, सुर्ख इनकलाब ने लखा लोग मारे, रशिया दे इनकलाब ने लखा लोग मारे, चाइना दे मौजे तुंग ने लखा लोग मारे। और मुसलमान मारन वाला नहीं है। ये जिथे पूरी तारीख मुहम्मद अरबी दे गुलामा दी वेख ले, टोटल बंदा 259 नजर आंदा है। इस्लाम मारन वाला तो नहीं, 259 लोग टोटल। ते जदों बात आंदी हुजूर दी खत्मे नबूवत दी, उदों 1200 लोग अपनी शहादत पेश करके अपने आप आका दी अजमत दा झंडा उच्चा करते नजर आंदे। थोड़ा जिहा होर हौली बोलो। असाने साढ़े कोल गारंटी ले लो, चेक कर लो, गड्डियां चेक करो, घर चेक करो, असलियां नहीं है, बारूद नहीं है, कलाशन नहीं है, पिस्टल नहीं है। और साढ़े कोल बारूद नहीं लभेगा। अगर या रसूल अल्लाह दा नारा लाना दहशत कर दी है, फिर आओ मेहरबानी करो असा दसने साढ़े घर कितने दहशतगर्द ने। और जदों कसम रब दी, जदों मोबाइल की टल बोली वजदी है, लबैक दी सदा निकलदी है। साडा निक्का बच्चा फीडर छड़ के हाथ चुकदा जे ओदे भी दहशतगर्दी दा पर्दा। असे यही आखने दुनिया नूं अगर अमन दी ख्वाहिश है अस अमन वाले आ। असा बच्चे कटा के घर लुटा के जवानियां लुटा के हर शख्स कटा के अस अमन वाले आ, अमन वाले आ, अमन वाले आ, अमन वाले आ। ओ साडे रसूल दी इज्जत हाथ ना पाओ, नबी नू ना पोको, खत्म नबूवत ते हमला ना करो, रसूलुल्लाह दी इज्जत ते आबरू ते अटैक ना करो। अस अमन वाले आ, सानू कट दो, सानू मार दो, ज़बह कर दो, अस चुप रहने आ। लेकिन बात नबी दी आवे फिर सानू सिद्दीक अकबर ने दसी है, मुसलमान भावे छत्ती होवे और चौक खड़ा हो के सदाकत दा ताजदार, रिसालत दा राजदार अबू बकर कह रहे होंदे, मेरे सोने आ मन मोने आ, मेरा तन बदन तेरे वास्ते। फिर मुसलमान पीछे नहीं हटता। बिलाल हबशी, हजरत सैयदना बिलाल हबशी, उन्होंने आके उन्हें इंज मजबूर किया, क्रिटिसाइज किया। जाहिर है उन्हें रोना तो किदे कोल जाना है। हौली हौली बोलो, कसम खुदा दी मदीने वाले दी बारगाह विच हिजर लई चंद आंसू बहाओ, फौरन राबता जुड़दा है। जिब्रील ने मैं जुगिया मैं जन्नत दी सैर कीती, 44,000 बुराक नूं चरदियां उछलदा कुददा वेख्या, एक नूं नुकरे लग के रोंदा वेख्या। मैं कोरिया ना तैनूं पता है अज केड़ी रात है, अज केड़े लम्हे ने? उन्हें कह जी पता है, ते रोंदा क्यों पिया है? इन लम्हियां विच रोमन वाला बदनसीब होंदा, उन्हें कह जनाब अज तू नहीं पिया रोंदा, ये आज दी गाल तो नहीं दिल भर। असा लुटे रोज अलस्तू इमकान दौज ते नैयर हैं, तेरी नजरां विच गो पस्तू, तेरे प्यार तो खुशियां वारियां हैं, तेरी हर मनशा दे मस्तू दे दर्द अदा जिने दिल आखी, असा सरवर दर्द परस्तू। जो है कि नहीं, मैं आज का नहीं प्यार रोंदा, मुद्दत गुजर गईयां ने, पीछे कुन दिया के धाड़ थी। थोड़े जे सरे की पछा लो, पीछे कुन दिया के धाड़ थी, कि पहले प्यार दी गाल अखी, जदा कालू बला दी बांग मिली, सादियां रो रो के हन लाल अखी, पीछे आया कालब अलसरी विच, जदा थी गईया बेहाल अखी, अखी सब कद तुर तुर ता दे दिल मत नजर आवन लजपाल अखी। नबी दे प्यारे गुलामो, यार दे हिजरे च रोवोगे, कसम खुदा दी गल बनेगी। ओ ताजरो, बिजनेसमैनो, मौलवीओ, पीरो, सरदारो, नंबरदारो, ताजरो, नबी दे हिजरे च रोवो, एडा करीम है, करम फरमांदा है। हुजूर दे नाल प्यार ते इश्क वाली रीत निभाओ ते सही। और हजरत जनाब खाजा फरीद कोट मिठन दा दूल्हा पियांदा है, जदों मैं तार जोड़ के रोना, उधरों करम की चौबाए, और रो रो के मैं आखरिया इथा मैं मुठड़ी, इन्हें तो जान बलब माही खुश वसदा विच मुल्क अरब, और तोड़े धक्कड़े थोड़े एक कांदड़िया, तेरे नाम तो मुफत भी कांदड़िया, तेरे बांदड़िया दी ए बांदड़िया, ए मदर्द कुतिया नाल अदब। ए गल खाजा फरीद आखदे ने, मेहर अली आखदे ने, मैं भी रोया। लेकिन खुदा दी कसम है, जरा अंदाज आगाज वेखो, अगे मेरे अली पाक दी परवाज वेखो, अपनी सुभान अल्लाह दा माहौल वेखो। आओ नबी दे गुलामो, दुनियादारी विच हर बंदा उलझ गया, नबी नाल ताल्लुक जोड़, वेखी जलवत खलवत नेड़े ला ते सही। मेरे अली आंदन मैं यार दे हिजरे च रोया, नाल ही करम हो गया। ते दस नहीं गए जेड़ा चाहंदा नबी दी अख थले ते नबी दे हाथ थले रवे, खत्म नबूवत दा पारा दे करम ही करम होंदा है। जरा मोहब्बत नाल बोलो, 1 लाख नमाज दा सवाब मक्के 50,000 दा। इसलिए मर मर के जाने, हर शे वेच के जाने, मेहनत करके जाने, लाइना विच लग के जाने। खत्म नबूवत दा काम इत्थे कर, मदीने वाला ने मैं आके मिलांगा। हौली हौली बोलो, रो रो के जदों यार दे नाल ताल्लुक जोड़े, इत्थां मैं मुठड़ी जान पलब। ओ खाजा फरीद होवे या फाजल बरेलवी होवे या ताजदार गोलड़ा सैयदना मेरे अली आके ने जदों थोड़ा जिहा माहौल गुजर जाए, मैं रो रो के आखरे करीम आका दे दरबार अंदर अज सिख मित्रां दी वधेरी। क्यों दिलड़ी उदास कनेरी है, लोलो विच शोक चंगेरी है। अज नैना लाया क्यों झड़िया, इत्थे भी उसलूब वेख ले, अंदाज वेख ले, इत्थे भीख मंगण दा अंदाज वेख ले, उत्थे साईं दी करम नवाजी वेख ले। नाल मेरे अली फरमा रहे ने, इस सूरत नूं मैं जाना खा के जाने जहाना खा, सच आख ते रब दी मैं शाना खा, जिस शान तू शाना सब बनिया। हुण सारे बोलो सुभान अल्लाह, माँ अजमाला का, माँ अहसन का, माँ अकमाला का। सुभान अल्लाह, माँ अजमाला का, माँ अहसन का, माँ अकमाला का। किथे मेरे अली किथे ओ तेरी सना, मुश्ताक अका किथे जाड़िया। ए सूरत शाला ए पेश नजर रग वक्त नजाते, रोज हशर विच कबर ते पुल थी जदों होशी गुजर, विच कबर ते पुल थी जद सब कोटियां थी से तद खरिया। नबी दे प्यारे गुलामो, मिजाज बदलना होएगा। मेरे नबी दे प्यारे गुलामो, इस्लाम दे गलबे लई किरदार उमर बिन अब्दुल अजीज हुक्मरानी दा अंदाज वेखो। मेरे वीरो, मेरे मिठियो, मेरे सोहने हुक्मरान इमरान खान साहब, तेरे इस्लामाबाद दी रियासत विच नारे कैसे लगे ने, ओ सानू कबूल। कंट्रोल करना तेरा हक है, सानू बुरा आखन, भैड़ा आखन, लेकिन ये उत्ते न जामन। इस्लाम इंसानियत दा मुहाफिज, औरत दा सब तो बड़ा मुहाफिज इस्लाम है। लेकिन ये सिर्फ अरब दा यूरोप दा लिटरेचर पढ़न दा ना रियासत नहीं है। उमर बिन अब्दुल अजीज नू सामने रख, बैतुल माल दे तेल नाल चिराग जल रही है। इस दौरान उमर बिन अब्दुल अजीज स्टेट दियां फाइलां चेक कर रहे हैं। इस दौरान आप दी ज़ौजा के आंदी है, बच्चियां जवान हो गई ने, रिश्तियां दा भी कुछ सोचा जे के नहीं। इतनी गल सुन के उमर बिन अब्दुल अजीज चिराग बुझाया। बीवी आंदी है नाराज हो गए हो, आखे नाराज नहीं हुआ, क्योंकि तेल पिया जलदा बैतुल माल दा, गल घर दी शुरू हो गई है। असा इंज की गल दसीए तो सानू आंदे हो दहशतगर्द, इंज ना करो। असा इहो कुछ आखने, असा तुहाडे ते हमलावर नहीं आ, असा बुरा नहीं, असा सिर्फ इहो कुछ आखने। सारा रात फैसले सुने, फजर हो गई, फजर तो बात सुन दिया। फरमाया थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अख ला लवा फिर उठ के गल सुनागा। अजे जाके ते लेटे ने, सिर थले बांह रखिए, आप दा पुत्तर बाहरों आ गया। अब्बा जी जी सो गए हो? बस पुत्तर जरा अख ला के फिर फ्रेश होके के सुनना। फरमाया अब्बा जी अख लगे ते ना खुले ते जेड़ा आज़रबाईजान तो आ बैठा ओदा कौन जिम्मेदार है? उठ के उस वेले सजदा शुक्र अदा करके अल्लाह तेरा शुक्र है जी हलाल खवाया। तो प्यो ने ते पुत्र ने भी अब्बे नू जहन्नम तो बचावन दा हक अदा करना। असा हथ बन के भी यही आखने आ, रो रो के आखो तां भी यही आखने, तुहाडी मिन्नत तरला करके भी यही आखने आ। नबी दे दीन दा खलवाल ना बनाओ, इनू इंजी समझो। इमाम शामिल रियासतां मुहम्मद पाक दे दीन दी गुलामी विच शामिल होइयां। वक्त दहाके में अदलो इंसाफ देखो, ये पैदा करो तो इंशाअल्लाह खैर होगी। ताजर, बिजनेसमैन, मौलवी, पीर, हर बंदा किरदार ते अदा करे। कुछ लोग फड़े गए जिहड़े सज़ा दे मुस्तहक़ सन। आप दी वालदा माजदा इमाम शामिल दी वालदा माजदा कोलों कुछ गिरफ्तार शुदा लोगों दी मावां आ गईयां, साडे पुत्तर ने गुनाहगार ने, लेकिन जरा माफी कर दिओ, कोड़ियां दे मुस्तहक़ सन, माफ कर दिओ। अपनी वालदा ने सिफारिश की इमाम शाम अदलो इंसाफ दे पै करनो जी। फरमाया सिफारिश आई है तो पुत्र मैं तेरी मां बुढ़ड़ियां, मेरी सिफारिश मान लै। फरमाया अम्मा कल आल इल्म नाल मशवरा करके मैं तेन अर्ज करांगा। सुबह मीटिंग सद लई उलमा मशाइख दी। जी मैनू दसो कि अगर कोई सजा दे कोड़ियां दी सजा दा मुस्तहक होवे ओदी कोई सिफारिश करे ओदे बारे च उलमा की फरमांदे ने? फरमाया जी ओ उलमा इन्हें यह फैसला कीता क्योंकि मुजरिम है ते मुजरिम दी सिफारिश करन वाले बंदे नू कोड़े मारे जाण। इमाम साहब फरमान लगे अच्छा ये दसो अगर वो सिफारिश करने वाला बंदा बुढ़ड़ा होवे कोड़े झल ना सके फिर की हुक्म है? उन्हें कहा जी फिर उसदा करीबी अजीज कोड़े खावे। इमाम साहब ने इंज कमीज चाहिए। फरमाया कोड़े मैनू मारो क्योंकि सिफारिश मेरी बुढ़ड़ी अम्मा कीती है, सदा दा मुस्तहक मैं आ। अस ये गल कर रहे तवज्जो है कि नहीं? थोड़ा जिहा होर हौली बोलो, होर हौली बोलो। और मेरे पाक नबी दे प्यारे गुलामों क्रिटिसाइज किए जाओगे, लोगों ने तनु बड़े तंग करना, लेकिन कोई बात नहीं। उन्होंने हक है जेड़े मुल्क नचण वाली तमगा इम्तियाज मिले उस मुल्क के लोगों का हक बनता है अहले इल्म को क्रिटिसाइज करना। सानू गिला नहीं होना ना। हजरत बिलाल हबशी फरमाते हैं मैं आके सरकार को रोया, हुजूर ने मुस्करा के फरमाया काला पाए गए। हुजूर उन्हें कल मैनू कहा 4 दिन रह गए नहीं 4 दिन। फरमाया बड़े दिन पे ने। जेड़ा बंदा चुप है ओदी सुभान अल्लाह वास्ते भी तो थोड़ा जिहा टाइम पे बड़े दिन पे ने। आके मैं आख्या हुजूर ने कह दिता सुभान अल्लाह। एक दिन मुड़ गुजर गया, मैं फिर गया मस्जिद ते अजान दिती, रात भी शादी पढ़ी नमाज, मैं फिर सरकार को ला। मैं आख्या हुजूर अज 3 दिन बच गए। हौली बोलो। आज 3 दिन बच गए। हुजूर फरमाया बहु पे मैं हुजूर दी बारगाह विच बैठा। अगले दिन मैं जो बाजारे गया तो मैनू उन्हें इशारा किया दुश्मन ने। मैं फिर मुँह थल शरीफ आदमी का की स्टाइल होता हुजूर दे गुलाम। आके मैं गुजर गया तो मैं आखिया हुजूर मैनू खंगूरे मार के इंज कर दे, अज इंज कर दे हुजूर, इंज कर दे। मैं हुजूर फरमाया कोई नहीं 2 दिन पैन खाए रे काला पै गए। 2 दिन गुजर गए। एक दिन अगले दिन मैं गया चाहता है सोच लूंगी अज आखिरी दिन नहीं। मैं आख्या कोई बात नहीं सरकार को मैं अज मैं इशा दी अजान दी नमाज पढ़ाई सरकार ने ते हुजूर तुर गए अपने हुजरा पाक अल। मैं भी पिछे पिछे नाले गुटदा रहा नाले मैं आंदा रहा हुजूर अज आखिरी दिन नहीं, कल उन्हें मैनू कुटना है, उन्हें मैनू फड़ना है, हुजूर मैनू बकरियां चरवाएगा, हुजूर मेरी मैनू उंज ही आंदा मैं तेनू मारांगा जिवें उमैया मारदा सी। हुजूर मैनू पुछण ते आओगे ना किवें यार नाल गल्लां कीतियां उन्हगी ए ते ओ जानदा ना। आ गई रात विशाल दी या रब, अज सूरज चढ़न लवे, वास्ता ही तेनू जुल्फ मगीदा, ए रात मुकन अख लग गई नाल मगीदे अच, हुण अख लगन नावे। अज मैं सारी रात हुजूर नूं वेख रहा, कमाई रहा, खिदमत भी कर रहा। मैं कहा हुजूर अज उन्हें सुबह वेले मैनूं फड़ लेना, हुजूर नमाज तो बाद उन्हें बूहे ते आ जाना। हुजूर फरमाया कदों आना सू? आके फजर दी नमाज तो बाद। हुजूर फरमाया बहुत टाइम पे हुण। आके मैं की आके बिलाल पाक ने की आके होना, जाहिर है ओह ते सुभान अल्लाह जी, असां ते अपना शौक पूरा करना ना। उन्हें आके होना यार रात वधाओ ते यार रोला मुकाओ। हौली हौली बोलो, ये साईं जी साईं ने बड़े तकड़े ने, कसम खुदा दी बड़े करीम ने, बड़े लजपाल ने, ये बड़े लजपाल ने हैं जी। चुकते ने ते करम फरमाते ने तो फिर लोग दुनिया तकदी रह जाती। तवज्जो है कि नहीं? उन्हें आख्या अच्छा रात मुकसी, बिलाल फजर होसी। अनंत जिस वेले मैं खिदमत करता रहा, हुजूर दी बारगाह विच बैठा रहा ते फजर दी अजान दा टाइम होने लग्या। मैं कहा हुजूर आखिरी सलाम अज उन्हें लै जाने फड़ के। हुजूर आखिरी सलाम, हुण मैं टुरां, कदे मैं अगे वेखा कदे पिछा वेखा, हुणे सदके कुछ आखणगे। मैं भी मसीत ते टुर पिया, अजान तो बाद ते नमाज होनी है, ते नमाज ते आके कुछ आखणगे। आंदन मैं टुरिया मस्जिद वाल, चंद कदम मैं बढ़िया, मैनूं बिलाल दसो जदो माही खुद सदे आ गया सदा ओ सजना बल्लो असां नाल खुशी तुर चले यार साडी राह पिया वेखे ओ साडी हो गई पल ले पल आ गई रात विशाल दिनेड़े साडे केडे बखत सवले आजम की गोया मेरे सजना नो ए रोवन केड़ी। बिलाल मैं मुड़ के पीछे जी आका फरमाया ए माल आराम ना लामी, आराम ना लामी। माया क्या वाह जी वाह। हुण मैं अजान दिती, अजान दे के जी मैं कौन मुतमैन, अजान दे के जीवें ही मैं फारिग होया, चार उठ समान दे लदे होए आके बंदे पूछया बिलाल लाने किथे। हौली हौली बोलो लाने किचन। ये तो उस बाबे ने पूछो ना जेड़ा बुजुर्गी दे आलम के बावजूद हदीस ते बह के मसनद हदीस भी पढ़ावे, फिका भी पढ़ावे, कुरान भी पढ़ावे, फिर भी तुहाडे कोल आवे। यार हुजूर दे दीन दी तबलीग दा खूबसूरत मरकज मिसबाहुल उलूम बन रहे हैं। जरा थोड़ी जी तवज्जो फरमाओ, अल्लाह दी रहमत समझो ना कि तुहानू घर आके दीन दी तरवीज और इशाअत दे मरकज दी दावत पिया देंदा है। ते हुण अपनी नज़रां नाल वेखो, ए बाबे कसम खुदा दी ए सरमाया ने आले सुन्नत दा असासा ने। अपने बच्चों लई अपने घर लई कदे नहीं मंगणगे। जेड़ा हुजूर दे दीन लई तेरे कोल आवे ना, अल्लाह दा शुक्र अदा कीता कर, अल्लाह दा शुक्र अदा कीता कर। मैं एक गल पढ़ी, मैं हैरान होया। एक मस्जिद बनी पिंड दे विच ते वो पिंड के चौधरी के घर के नाल किते बनी ते वो चौधरी साहब बांग तो बड़ा तंग आई। वो जिस वेले मौलवी साहब ने वो मस्जिद च बांग दी, उस आखा मैं बनन नाम देंदा ये तो मेरे घर के उत्ते स्पीकर ला के ते ये नहीं चंगा। अगले दिन जो है कि मौलवी साहब आखे जनाब लंटर पाना है ते जरा कोई अल्लाह के घर वास्ते, वो क्योंकि बहुत गुस्से चाहिए अजाना सुन सुन के। उस आखा अच्छा, उन्हें मौलाना साहब ने एंड किया ना अल्लाह का घर, उन्हें थुके हाथ के उत्ते। उन्हें कहा लै जा, मैं तेरे को लगे तंगा मुड़बू चाके आ जाना। अगू वो भी हुजूर दे दीन दा चौकीदार आई, उस हाथ साफ करके आखा उस आखे ए तो मेरा हिस्सा आई हुण मेरे रब दा हिस्सा दे, ये तो मेरा आई ना हुण मेरे रब वास्ते मैं तेरे अगे हाथ। जदों इंज किया ना फिर चौधरी कदम च डिगे। उन्हें कहा मैनू नहीं पता तुसां एडे आला ज़रफ़ वाले लोग होंदे हो। कसम खुदा दी साढ़े तो वड्डा कोई अखड़ भी कोई नहीं। लेकिन जो मामला दीन दा आंदा ना, कसम खुदा दी बहु नरम हो जाते ना, कोई नहीं चलो कोई बात नहीं। एक बारी रुख मोड़ना ना मोड़ भी आंदे ना कोई बात नहीं, चलो कोई काम होना। इन्हों अगर देखना चाहना ना अहले इल्म दा मिजाज, खुद सोच ले तेरा मकान पे बनता हो कदे सिविल इंजीनियर तेरा जेडा बेली हो लंघद नजर मार जा उन्हें कहना टाइम लै पहले तेरे प्यो का नौकर कदे डॉक्टर गुजरता हो तेरे पुत्र को तकलीफ हो जरा वेखी जाता चुक के क्लीनिक चलाया तो कदे मौलवी तेरे महल च गुजर रहा हो ना तो तेनों मसला पूछने की लड़ हो भावें पुत्र ते धी दी दवाई लैन जा रहा हो चौक च डाक कसम खुदा दी पूरा मसला दसिया बगैर अगे नहीं हलेगा। मोड़ भी माड़ा ही हो मोड़ भी मुजरे में सिर्फ क्योंकि उन्होंने यही एक हजूर इन्नी एक अंग्रेजी इनू भी आती है जिनी एक लंडे के अंग्रेजा आती है इन्नी एक ताकत ए कोल भी है कुछ होर भी कर सकता है। एक मसीह तू जवाब दो मुड़ भी दुकान पर सेलमैन नहीं बनता मुड़ भी किसी मसीह से जाके झाड़ू पिया देता होंगे तेनों पता है जो रब के घर का चौकीदारा करे रब उन्होंने केड़ा पसंद फरमाता है। अल्लाह तौफीक देवे तो ये इज्जत कर। हजूर फरमाया कब्रिस्तान ही चो लंघ जाए 40 दिन अजाब टल जाता है किन्ने किन्ने दिन। मैं नहीं आख्या पुछ कसम खुदा दी ना उलमा मुहद्दिसीन कोलों मेरे नबी ने फरमाया मेरे नज़दीक सब तो चंगा ताजर बिजनेसमैन निक्का वड्डा कौन है फरमाया जेड़ा कुरान पढ़ रहे ते कुरान पढ़ा रहे कदे कुरान पढ़ने वाले नूं इज्जत दे के वेख वेखी करम कह लौंदा है तवज्जो है कि नहीं। उंज अगर मैं एक बारी जनाजा एक निकाह पढ़ाण गया एक जरन अपना ब्रिगेडियर साहब सी ओदा बेटा रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब सन मैनूं आंदा जी मेरे पुत्र दा निकाह तुसीं पढ़ाना है एक मसला है मैं की मेरा पुत्र मौलवियों तो बहुत चालू है मौलवियों किसी खाते नहीं लिखता मैं कहते कोई बात नहीं जेड़ा सानू किसी खाते नहीं लिखता असा भी किसी खाते नहीं लेकिन निकाह मैं क्या मैं पढ़ाना है हो सको चलो तुम आओ मैं गया निकाह पढ़ाना साड़ी शराफत देख लो की है मैं निकाह पढ़ान गया 1500 बंदे का अरेंज सी मैं एक शक लगे हो जो बगैर तार वाला होंगे तो मैं ओ मुंडा ऑस्ट्रेलिया चो कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आया सी उन्हें 2-3 नाम भी दसे जिन्होंने वो पसंद करता सी ना तुसा भी सुने उन्हें ना लेना मुनासिब नहीं क्योंकि चंगी थान ते बैठे हैं तो वो आके उन्होंने पसंद करता मैं समझ गया कि क्यों पसंद करता क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी फोबिया सी इन्नी एक अंग्रेजी सानू भी आती है मैं उन्होंने अंग्रेजी आख्या वो महक दे मैं पुत्र क्योंकि तू मुसलमान है मौलवी किसी कम की कौम नहीं ये मातड़ कौम है तू अलहमदुलिल्लाह क्योंकि मुसलमान है पढ़े लिखे हैं जरा मैं के उची उची 6 कलमे सुना के मुड़ तेरा निकाह पढ़ी है जरा उची उची मौलवी छड़ परे कमली कौम है तू मैं सुना मेरा पुत्र उची उची सुना जरा तू मैं जरा कसम खुदा दी दिसंबर हजरत दे जूं पसीने छुटे मैं क्या मरनी वड के पढ़ कमीनिया ये मौलवी की शराफत है तेरे नाल अगू अगू पे पढ़ता होंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमन तो बिल्लाह वल हालांकि तू पिछू अटक अटक के मुड़ भी गलत ठोकिया ने वो चुप है जे तैनू मैक फड़ा के आख्या जाए पहाड़ा जरा तेनू पता लग जाए तुहाडी गल नहीं कर रहा मैं नाल ही परेशान हो जाते हो मैं परलियां दी गल पे ये एडी सादी कौम है अगू अगू पढ़ी आने के कबूल है कबूल तेनू तो यह भी आखना औखा आंदा उस वेले ये मुड़ नाल इस वास्ते शरीफ आदमी है लेकिन कदे तुसा नहीं सुनिया पुत्र जज होवे पिओ दा जनाजा पढ़ा रहे होवे ते मौलवी साहब महल्ले वाला आके खबरदार तू जे जज हो के जनाजे पढ़ने तो मैं क्या करना कदे सुनिया जी आंदा अल्लाह तेरा शुक्र है पुत्र जज आई पिओ दा जनाजा पढ़ाया पुत्र फलाना आई जनाजा पढ़ाया पुत्र हुक्मरान आई जनाजा पढ़ाया पुत्र कदे एहतजाज नहीं करेगा तू अपने बच्चे दे कान च बांग दे महल्ले दा मौलवी एहतजाज नहीं करेगा चोरशप जे बांग तुसा देनी तो मैं की करना कदे सुनिया जी आंदा जी शुक्र है अल्लाह तेरा शुक्र है क्योंकि दीन सारियां दे सारियां तक पहुंच रहे। खुदा दी इज्जत दी कसम है तू अपने बच्चे दे कान च बांग दे असां खुश होने तू अपनी बेटी दा निकाह पढ़ा असां खुश होने तू अपने प्यो दा जनाजा पढ़ा असीं खुश होने तू अपनी मां नूं कब्र च उतार असां खुश होने ओदी वजह कसान है दीन साडा नहीं असां दीन दे नौकर है ये सारे रल के दीन नूं सीखिए दीन नूं तर्जमानी करके लोगों तक पहुँचाइए जितना आम ते जितना आसान मुस्तफा दा दीन है कायनात च कोई नहीं यार जेड़े दीन च राह ते कंडे हटावन ते जन्नत लब्बे मुस्करा के बोलन ते जन्नत लब्बे नाल दे बंदे दे बर्तन च पहले पानी सालन रोटी पावन ते जन्नत लब्बे जिथे निगाह नीची करन ते लोगां दियां धीआं भैणां नूं आंदा वेख के नजरां झुकावन ते जन्नत लब्बे जिथे किसी दा बुजुर्ग दा समान चा के सड़क पार करावन ते जन्नत लब्बे मुड़ असां कदों लबड़ीए जन्नत। आओ मुहम्मद पाक दे दीन नूं जफ्फी पा लो कसम खुदा दी अल्लाह रसूल दे दीन नाल प्यार करोगे फिर कायनात आलम में कोई दहशतगर्द कोई फिरकवारियत वाले जेड़े नासूर लोग फैला के तुहानूं कमजोर कर रहे हैं फिर वो खुद ब खुद अपनी मौत मर जाएंगे। हजरत बिलाल फरमांदे ने 4 उठ माल दे लथे मैं लवा लै हुजूर आ गए फरमाया बिलाल हुण ते राजी है सजन लाइए तो फिर चाह आंदी है कि नहीं आंदी। मालिक कंड लगन देने मैं अक लवा लिया समान नमाज पढ़ी हजूर फरमाया सादा ओनू हुण किवें बिलाल गए होणगे तुसीं दसो हैं हुण बिलाल किवें गए आ बेलिया अपना समान चा हैरान हो के वेंदा ते होना तुहाडे कोल कित्थों आया होने आखे होना बिलाल पाक ने लेकिन मेरा विजदान आख रहा है बिलाल ने फरमाया तू की समझिया सब सहते हैं तू की समझिया साडे साईं कोई नहीं असा मालकां वाले नहीं है आसमान चाल है समान दे दिता गया ओ लै गया समान पर मैं होर भी चाहिए चला लै बिलाल फरमाने हुजूर फरमाया बिलाल वंड दे मैं वंडदा रहा जोहर हो गई मैं वंडदा रहा असर हो गई मैं वंडदा रहा मगरिब हो गई इशा वेले हुजूर ने पूछा बिलाल जिया का माल वंडिया गया सारा के पे अर्ज कीती पे हुजूर फरमाया जिन्नी देर तक माल पे मैं घर नहीं जाना मैं किवें जावां मैं सो जावां ते माल कौम तक मखलूक तक पहुंचे ही ना अल्लाह दी मखलूक तक माल ना पहुंचे ये पे होवे तो मैं सोवा ना कसम खुदा दी मेरा नबी घर नहीं गया मस्जिद ते रहने आज मैं घर नहीं जाना। अगले दिन अज़वाज मुतहरात अपने हुजरे च मुंतज़िर ने नबी फरमांदे ने मैं अल्लाह दी मखलूक नु वंड के फिर आना। अगले दिन फिर फरमाया वंड दियो माल वंडिया गया जिया का अल्लाह तेरा शुक्र है फिर मेरा नबी घर गया। ये पैगाम दिता मेरे करीम आका ने माल तो है ही हो जिहड़ा हकदार तक पहुँच जाए। मोमिन अपनी जात लई नहीं होंदा मोमिन मखलूक खुदा नाल प्यार करदा है। अगर तुहाडे पड़ोस च कोई बच्चा यतीम है ओदी सरपरस्ती करो। कोई बहन बेटी अगर ओल जहेज की लानत की वजह तू पिया घर सदावण तो महरूम है उस दे प्यो मजदूर की मदद करो ओदे नाल तामन करो ताकि पता लगे तुसा मुहम्मद पाक दे नौकर हो। मैं हाथ जोड़ के आखना उन्होंने ताजरा बिजनेसमैनों नूं इज्तिमाई शादियां शायद तुहानूं चंगा लगे मैनूं चंगा नहीं लगता क्योंकि जदों किसी की धी नूं इज्तिमाई शादी के तौर पर रुखसत कर दो वो धी सर उठा नहीं सकती। माशरे में अल्लाह तौफीक दिती है तो इज्तिमाई शादी की बजाय उस गरीब धी दे प्यो की तली ते रखो इज्जत नाल बेटी रुखसत होवे। किसी की मदद करो दूजे हाथ नूं पता ना लगे। किसी की धी नूं सिलाई मशीन दे के आटे का थैला दे के घ्यो का पैकेट दे के फेसबुक से फोटो चाढ़न वाले सखियो खुदा दा वास्ता जे ये तमाशे छोड़ दे दीन नहीं मुँह दे बल घसीट के जहन्नम में सुटिया जाएगा। इस्लाम दा तकाजा है वे यतीमा दा भार चुक लो तालिब इल्मा दी तालीम दा बंदोबस्त अपने जिम्मे लै लो गरीबा नाल मदद करो यतीमा नाल प्यार करो इस लानत तू छुटकारा पाओ। वेखनी जे चुके इंडिया दी एक ऐशा नामी बच्ची जिहड़ी जहेज की लानत ते उस लालची शोहर की बेहयाई की वजह नाल खुदकुशी कर लईए उन्हें पूरे मुसलमाना दा चेहरा विखाया कैसी बदकिस्मत कौम है। ताकि जदों असीं इस लानत तो बचांगे फिर कोई धी गरीब दी गरीब दे बूहे ते नहीं बैठेगी। इस फिक्र नूं आम करो। अल्लाह तुहानूं मैनूं हुजूर दे दीन दी सही तालीम नस्लां विच मुंतकिल करके दीन दा हसीन पाकीज़ा नूरानी रुख अपनियां नस्लां नूं विखा के मुहम्मद पाक दे दीन दी तरवीजो इशात लई अपनियां तमाम तर सर्विसेज सलाहियतां बरूए कार लियाण दी तौफीक फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गल चंगी ना लगी होवे ओदे लई माजरत खावां। अगर हुक्मरानां दी गल नाल किसी नूं तकलीफ होई होवे अल्लाह ओदी तकलीफ विच इजाफा फरमावे अल्लाह ओदी पीड़ विच बरकत फरमावे अल्लाह तुहाडे घरां दी बच्चेयां दी नस्लां दी खैर फरमाए। वमा अलैया इल्ला मुस्तफा जाने।